कब हमारे चित्त को चुरा ले पता नहीं चलता, तो बाकी और वस्तु को तो छोड़िए। ऐसे ये चित्त चोर हैं। आज ये माखन चोरी करने के लिए अब उस गोपी के घर में दरवाजे पर पहुंचे और एक बार अपने पांव को ऐसे दो बार पटका ताकि कोई हो तो घुंघरू ध्वनि सुन के आ जाए बाहर, तो मैं तो खेलने आया हूँ कहते बन जाएगा। जब पांव को पटका और कोई बाहर नहीं आया तो भगवान संतुष्ट हो गए कि घर में अब कोई नहीं है, और जिसको दिखाना है वो तो देख ही रहे हैं, भगवान को पता है। उसके बाद चोरी छिपे भगवान उस मथानी के पास जाके बैठ गए, संत इधर उधर देखा चोरों की भांति कोई देख तो नहीं रहा, फिर संतुष्ट हो गए तो फिर मक्खन का लोंदा उठाया और अपने मुंह में डाल देते हैं। अब हाथ में मक्खन लग गया, अब ये तो प्रेम से खा रहे हैं, अब हाथ में लगा है, फिर भगवान ने सोचा अचानक कोई आ जाए तो मेरे हाथों में मक्खन देखकर मुझे चोर समझेगा तो मैं इसको पोंछ लेता हूँ, तो अपने कंधे से पोंछ लिया कपड़े से, और फिर एक कौर और निकाल के खाया। अब सोचा कि मुंह में भी लग गया होगा तो इधर एक और कंधे में पोंछ लिया, तो धीरे धीरे पूरे अंगों में ही मक्खन लग गया, हाथ और मुंह भर को साफ कर लिया, उनको लगता था कि अब काम हो गया। बच्चों की सफाई ऐसे ही होती है ना। गोपी जो देख रही थी इस दृश्य को वो तो बावरी हो गई है कि आहा आज ये अद्भुत दृश्य मुझे दिखाई दिया। और इसके बाद भगवान कृष्ण धीरे से उठकर वहां से चल देते हैं। भगवान के वहां से निकलते ही गोपी दरवाजे की ओट से बाहर आई निकली और सामने जो घर था उसमें चली गई, और वहां जो गोपी थी उसके दोनों हाथ पकड़े और बिना कुछ कहे उसको तीन चार गोल चक्कर घुमा दिया, स्वयं भी घूम गई और उसके हाथ पकड़कर खींचते खींचते उसे गली में ले आई। फिर तीसरे के घर गई, उसको भी पकड़कर घुमाया और खींचते हुए गली में ले आई। ऐसा करते करते ब्रज की गोपियां इकट्ठी हो गई। अब सभी नाच रही हैं, गा रही हैं, लेकिन आनंद का विषय क्या है केवल एक ही गोपी जानती है, बाकी तो सब साथ ही दे रहे हैं। तब धीरे से एक गोपी ने पूछा, अरे हम क्यों नाच रही हैं, पता तो चले, सुख का कारण क्या है ये तो पता चले। तो उसने कहा, मुझे क्या पता, मुझे तो उसने बुलाया। अब उसको पूछते तो वो कहती, मुझे क्या पता, मुझे तो उसने बुलाया। अब बारी बारी सब लोगों ने पूछ लिया लेकिन किसी ने बताया नहीं। तब जो गोपी सबसे पहले जिसने माखन चोरी की इस घटना को देखा था उसको हिला डुला के पूछते हैं, लेकिन वो तो कुछ कहने की स्थिति में थी ही नहीं, भाव समाधि में चली गई थी। ले देखकर जब उसको कुछ होश आया, भाव जगत से बाहर निकली, तब उसने बताया, फूले फिरति ग्वाले मन मेरी, पूछति सखी परस पर बातें, पायो परियो कछु कहूँ तेरी, फूली फिरति ग्वाली मन मेरी, तन न्यारा जिय एक हमारो, हम सब एक रूप, सूरदास कहे ग्वाली सखिनी सो, देखियो रूप अनूप। ऐसा रूप मैंने देखा सखी कि बता नहीं सकता, बता नहीं सकती, उसका वर्णन नहीं कर सकती। अब एक गोपी पर कृपा हुई तो बाकी सब दूसरी गोपियां आप जल भून गई कि भगवान ने एक ही पर कृपा क्यों की, हमने उनका क्या बिगाड़ा, हम पर क्यों कृपा नहीं की। तो भगवान फिर घर घर माखन चोरी करने लगे और फिर माखन चोर कहलाते हैं। बोलिए माखन चोर भगवान की। अब जब घर घर माखन चोरी की लीला करने लगे, अच्छा भक्ति का प्रेम का एक लक्षण है कि यह प्रतिक्षण वर्धमानम होता है, इसका जो स्तर है उसमें निरंतर इसके स्तर में वृद्धि होती जाती है, आनंद का जो स्तर है। संसार के सुख में प्रतिक्षण कमी होती जाती है। भूख आपको लगी हो, आप पहला कौर खाएंगे तो जितनी संतुष्टि होगी दूसरे कौर में उतनी नहीं होगी, फिर धीरे धीरे कम होती, जब पेट भर जाए तो कितना भी अच्छा व्यंजन क्यों ना हो लेकिन फिर खाने की इच्छा नहीं होगी। तो संसार से बहुत जल्दी मन भर जाता है, किसी भी वस्तु से हो व्यक्ति से हो, लेकिन जब भगवान से प्रेम करते हैं भगवान से संबंध बनाते हैं तो जो प्रेम का स्तर है, सुख का स्तर है, आनंद का स्तर है, वो प्रतिक्षण बढ़ते जाता है। प्रतिक्षण वर्धमानम भक्ति सूत्र में आया है भक्ति के लिए। तो इस स्तर को बनाए रखने के लिए और बढ़ाते रहने के लिए लीला में विविधता की आवश्यकता होती है। एक रास्ता आ जाए, एक समान लीला रोज हो तो उसमें रस नहीं आएगा। तो पहले तो भगवान घर घर जाके माखन चोरी करने लगे, फिर साथ में मित्रों को ले जाने लगे, अब गोपियों का दोनों लीला उन्होंने देख लिया, तो इसके बाद भगवान उनको और अधिक सुख पहुंचाने के लिए मटकी तोड़ने लगे। पहले शुरू में नहीं तोड़ते थे, अब मटकी भी तोड़ने लगे। तो अब अच्छा गोपियां भगवान की शिकायत करने तो नहीं,
लेकिन होता क्या था, जब तक भगवान उनके घर में रहे, उनकी गली में रहे, तो उनका दर्शन गोपियां करती, और जब भगवान अपने महल में चले जाए तो गोपियों को उनका विरह फिर सहन नहीं होता था। तो कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए, तो चलो शिकायत करने के बहाने ही नंद महल में चलें। तो शिकायत करने का बहाना क्या हो, तो भगवान उनको एक मौका प्रदान करते थे, उनके घर में जाके कुछ न कुछ उपद्रव कराते, और उसके बाद शिकायत करने के बहाने वो गोपी उनके नंद महल में आकर मैया से शिकायत करती थी। और क्या शिकायत करती थी, मूल भागवत जी में है, देखिए भागवत जी का श्लोक। वत्सान्मुञ्चन् क्वचिद् समये क्रोशसंजात हासः स्तेयं स्वाद्यत्यददिपयः कल्पितैस्तेययोगै मर्कान् भोक्षं विभजति स चेन्नाति भान्नं भिन्नते द्रव्यालाभे सगृहकुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम। क्या शिकायत है, वत्सान मुंचन क्वचित समये, कि मैया आपका ये लाला हमारे घर आता है और हमारे बछड़ों को खोल देता है। कब खोलता है, क्वचित समय, सुबह सुबह आके न जाने कितनी जल्दी आ जाता है, पता नहीं चलता, हम उठे भी नहीं रहते या घर के कामों में लगे रहते हैं साफ सफाई में। ये हमारे घर आता है, बछड़ों की रस्सी खोल देता है। अब बछड़े मजे से अपने माता के पास, गौ माता के पास पहुंचकर पेट भर दूध पीकर इतराते रहते हैं। जब दुहने वाला आता है तो वहां कुछ भी नहीं होता, फिर दूह क्या दूहे। तो वत्सान मुंचन क्वचित समय, अब ये बछड़े भी तो बड़े बड़े योगी हैं ना, अब इनको भी अमृत पिलाना है, दूध पिलाना है, ब्रज में दूध अमृत ही है, तो उसका रसास्वादन कराना है, तो जी भर के हो। अब दूहने वाले तो बछड़ों को थोड़ा सा पिलाते हैं फिर दूह लेते हैं ना, तो भगवान चले जाते थे और बछड़ों को खोल देते। तो वत्सान मुंचन क्वचित समय, ये पहली शिकायत। वैसे ही कहा स्तेयम स्वाद्यथ दधि पय, ये दूध दही की चोरी करता है, चोरी करके खाता है। तो मैया ने कहा अरे एक छोटा सा लाला है, कितना खा लेता होगा, अरे एक पाव आधा किलो ज्यादा ज्यादा खाएगा, कुछ गिराएगा तो जितना ये खाता होगा ना या गिराता होगा उससे कई गुना आ करके हमारे महल से ले जाया करो। अरे मेरा लाला खाए तो सही, कुछ मजबूत तो हो, तो तुम झूठी हो, शिकायत करने आ गई। अरे मेरा लाला थोड़ा सा खा लेता है तो शिकायत करने आ गई। गोपियां तड़प कर कहती नहीं मैया ये बात नहीं, हम उसके खाने की शिकायत करने नहीं आए हो, जितना खाना है खाए, लेकिन वो दूध दही के मटकों को तोड़ देता है ना, फोड़ देता है। अब कई दिनों के बाद, अब छत्तीसगढ़ी में कहते हैं उसको सीझना है ना, बहुत दिन तक लगातार उपयोग करते जाएं तब वो पकता है। और बोले कई पीढ़ी का, दो तीन पीढ़ी से बराबर उसमें, या कई बरसों से उसमें हम दूध गर्म करते आ रहे थे, दूध दही का एक पात्र था, अब इसने तोड़ दिया। चेन्नाति भांडम भिन्नति, तो मैया ने कहा एक काम करो, दूध दही के जो मटके हैं ना इनको सीकों में लटका दो ऊपर, तो इसका हाथ वहां तक नहीं पहुंचेगा, तो फिर ये घटनी काम रुक जाएगा। तो गोपियां कहती हैं हस्ताग्राह्ये रचयति विधुम पीठ कूलो खलाद्यै, ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर घेरा बनाकर एक दूसरे के कंधे पर चढ़ते चढ़ते वहां तक पहुंच जाते हैं, पीठ कूलो खलाद्यै। बोले ऊंचाई से भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो मैया ने कहा एक काम करो, चार पांच खाली घड़े के बीच में एक आध भरा हुआ ऐसे लटका दो, ये लोग चढ़ेंगे एक आध दो घड़े में हाथ डालेंगे खाली खाली देख करके फिर लौट जाएंगे। बोले नहीं मैया, ये भी करके हमने देख लिया, खाली घड़ों में तो ये हाथ ही नहीं डालता है, इसको पक्का पता होता है कि किस में माल है किस में नहीं है, खाली घड़ों को तो छूता नहीं है। अब घड़ा क्या है, हमारा हृदय, जिसमें प्रेम न हो उसको भगवान नहीं छूते, प्रेम रूपी मक्खन भरा हो तब भगवान छूते हैं, बिल्कुल खाली घड़े को इसीलिए नहीं छूते। तो गोपियों ने, मैया ने कहा गोपियों से ऐसा करो, इन दूध दही के घड़ों को मटकों को किसी अंधेरे कमरे में छिपा करके रखो जो ये देख ना पाए। तो गोपियां कहती हैं ये भी तो हमने करके देख लिया मैया, आखिरी में आपके पास आई हैं थक हार के, ये तो स्वयं प्रकाश है आपका लाला, अंधेरे कमरे में भी ये चला जाए तो उजाला हो जाता है, फिर वहां अंधेरा कैसा। एक भक्त ने कहा प्रभु आपको छिपना है गोपियों से
या अपनी माता यशोदा से, तो आपको अगर छिपने के लिए कोई अंधकार युक्त स्थान नहीं मिल रहा हो ना, तो आइए अब मेरे हृदय में छिप जाइए, यहाँ बहुत अंधेरा है। अब यहाँ आ जाएंगे प्रभु तो दो लाभ है, भगवान तो छिप जाएंगे लेकिन हमारे हृदय का अंधकार दूर हो जाएगा, स्वयं प्रकाश है भगवान। बोले द्वांतागारे धृतमणिगणम स्वांग मर्थम मर्थ प्रदीपम। एक तो आपने कई बहुमूल्य मणियां इनको धारण करा रखी हैं, उन मणियों का प्रकाश और फिर इनके शरीर से ही प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो स्वयं प्रकाश हैं। स्वांग मर्थम प्रदीपम, ये तो स्वयं प्रकाशवान है, तो ये काम भी नहीं बना। तो ऐसे ही अब गोपियों और यशोदा मैया के बीच बातचीत होती रहती थी, शिकायत शिकवा शिकायत। मैया ने एक दिन कहा कि तुम झूठी हो, मैं तो तब मानूंगी जब रंगे हाथ पकड़ोगी मेरे लाला को। जो जिसके घर में स्वयं 7 लाख गायें हों वो दूसरों के यहाँ चोरी भला क्यों करेगा, तो पहले तुम लोग रंगे हाथ पकड़ो, प्रमाण सहित सबूत सहित आओगी तब मैं मानूंगी, नहीं तो नहीं मानती। अब गोपियाँ आप ताक में लगी रहीं। एक दिन किसी गोपी ने पकड़ लिया भगवान को रंगे हाथ, दूध दही मक्खन सब लगा हुआ था मुख पर हाथ पर कपड़ों पर। मैया ने गोपी ने कसकर हाथ पकड़ लिया, कलाई पकड़ ली लाला की, कहा आज तो तुम्हें मार पड़ेगी ही, चलो मैया के पास मैं ले जाती हूँ। बहुत अकड़ है यशोदा मैया को कि उनका लाला चोरी नहीं कर सकता, आज उनको भी पता चलेगा, चलो मैं लेके जाती हूँ। भगवान ने कहा मैं कान पकड़ता हूँ तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, आज मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैया बहुत मारेगी, बहुत डांटेगी, बहुत डांटती है, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। लेकिन किसी भी विनती का कोई प्रभाव नहीं पड़ा गोपी पर, कहा नहीं तो आज तो तुमको मार खिलाऊंगी, मैं लेके जाऊंगी। अब गोपी कृष्ण जी का हाथ पकड़े पकड़े यशोदा मैया के पास पहुंची, महल में प्रवेश करके चलती हुई मैया के पास जाकर गोपी ने कहा देखो मैया आज मैंने तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ लिया। मैया ने हंसते हुए कहा बावरी देख तो सही तो किसको पकड़ी। और झुक करके जब गोपी ने देखा तो भगवान ने उसी गोपी के पुत्र का वेश धर लिया था। बोले चोरी तुम्हारे बेटे ने की और इल्जाम मेरे पुत्र पर लगाते हो। मैया गोपी को डांटने लग गई, चली जाओ यहां से झूठी कहीं की। अब गोपी बड़ी लज्जित हुई, बोले नहीं मैया मैं तो आपके ही लाला को पकड़ के ला रही थी, पता नहीं कब वो नटखट अपना हाथ छुड़ाकर मेरे बेटे का हाथ मुझे थमा दे गया, देखो पकड़ा दिया, अब मुझको पता भी नहीं चला, इतना शातिर चोर है वो। बोले तुम झूठी हो चली जाओ। अब वो गोपी लज्जित होकर अपने पुत्र का हाथ लिए लिए महल से बाहर निकली तो भगवान फिर अपने रूप में आ गए। कहा गोपी अब भैया, फिर गोपी ने पलट के देखा, अरे फिर से कन्हैया। बोले अब कहाँ गए तुम, कहाँ अब फिर आ गए। कहा मैं तो वही था, आज तो तुम्हारे बेटे का वेश मैंने धर लिया था, अब दोबारा मुझको मैया के सामने ले जाओगी ना तो मैं तुम्हारे पति का वेश धर लूंगा फिर, अब फिर तुम कितनी लज्जित होगी सोच लो, आज तो तुम्हारा बेटा बन गया था, कल पक्का तुम्हारा पति बन जाऊंगा यदि मुझको मैया से डांट खिलाने का प्रयास करोगी तो। तो गोपी कहती थी लाला हम तो तुमसे ही हार गए, तुमसे तो कोई जीत नहीं सकता। इस प्रकार लीला किया करते थे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण जब गोपियों के पास जाते श्रृंगार करके, तो कृष्ण जी वैसे ही बहुत सुंदर और ऊपर से जब श्रृंगार कर ले तो उनका वेश देखते ही बनता था। जब कृष्ण जी सज धज करके श्रृंगार करके गोपियों के पास पहुंचे तो एक गोपी कहती है कि सखी इतना सुंदर है ये लाला और ये थोड़ा सा अगर नाच दे ना तो और इनका ये रूप देखते ही बनेगा, इनको नचवाना चाहिए। तो एक गोपी ने कहा लाला तुम थोड़ा सा नाच के दिखाओ ना। तो लाला कहते हैं नहीं नहीं लजाने का अभिनय करते हैं, मुझको तो नाचना नहीं आता। गोपी ने बहुत जिद किया, नहीं थोड़ा सा नाच दो बस, एक ठुमका लगा दो बस, हम तुमको नाचते हुए देखना चाहती हैं। कृष्ण जी कहते हैं नहीं नहीं मुझे नाचना नहीं आता। गोपी कहती नहीं थोड़ा सा नाच दो, एक बार नाच दो। तो भगवान फिर मतलब पे आ जाते हैं, नाच तो दूंगा लेकिन क्या दोगी, बदले में कुछ चाहिए ना, नाच तो दिखा दूंगा। तो गोपियाँ कहती क्या चाहिए बोलो। बोले मक्खन चाहिए, माखन चाहिए। बोले आज तो हमने अब घर में छाछ ही है, बाकी सब तो भिजवा दिया इधर उधर बेचने के लिए। तो लाला छाछ मिलेगा। बोले छाछ मिलेगा तब तो जरूर नाचूंगा। त्रिलोकी नाथ लक्ष्मीपति भगवान अपने ऐश्वर्य को भूल करके छाछ के लिए जब नृत्य करते हैं तो भक्त रसखान लिखते हैं। फिर
शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर गावै जाहि अनादि अनंत अखंड य छेद य भेद सुभेद बतावै नारद से शुक व्यास रटै पचिहारे तहु पुनि पारन पावै अताहि अहिर के छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावै अताहि अहिर के छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावै अब गावै गुने गन काय गंधर्व सारद शेष सब मिलि गावै नाम अनंत गणंत गणेश जो ब्रह्मा त्रिलोचन पारन पावै जोगी जते तपसे अरु सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावै अताहि अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावै अताहि अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावै औ शंकर से मुनि जाहि जपै चतुरानन ध्यानन धर्म बढ़ावै जापग देव अदेव भये सब खोजत हारे जो पार न पावै जाहि जाहि हिए लखि आनंद वै जड़ मूढ़ हिए रस खानि कहावै ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावै ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावै। तो इस तरह भगवान वहां ब्रज में लीला किया करते हैं। अब यशोदा मैया जी ने एक दिन विचार किया कि गोपियों को जो सुख मिलता है माखन चोरी की लीला में, वो सुख उस सुख से मैं क्यों वंचित रहूं। तो अपने ही घर में लाला माखन की चोरी करे तो जो सुख गोपियों को मिलता है इस लीला में वो सुख मैं भी प्राप्त कर सकूं। फिर तो भगवान ने कहा ठीक है भाई। एक दिन मैया ने विचार किया कि गोपियां हैं वो अपने हाथों से मक्खन तैयार करती हैं, इसलिए भगवान को प्रिय है। अब मैं ये काम दासियों से कराती हूँ, तो उपासना जो है भक्ति जो है वो स्वयं के लिए की जानी चाहिए। हम नौकर से नहीं कर सकते कि हमारे लिए एकादशी का व्रत कर लो, है ना। उपासना तो स्वयं को करनी पड़ेगी ना भाई। तो मैया ने विचार किया कि आज मैं ही अपने हाथों से मक्खन तैयार करूँ। तो एकदा गृहदासेषु यशोदानन्द गेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममल्थ स्वयं दधे। एकदा एक बार, ऐसा होता नहीं था क्योंकि यशोदा जी अब वो भी तो रानी हैं, हजारों दासियां हैं घर में, तो अक्सर वो दही का मंथन नहीं करती थी, दधि मंथन नहीं करती थी। लेकिन आज विचार आया कि लाला के लिए मक्खन मैं अपने हाथों से तैयार करूंगी, इसलिए एकदा शब्द का प्रयोग हुआ। एकदा एक बार, या कभी कभी हो उसके लिए भी एकदा का प्रयोग होता है, तो या विशेष किसी कार्य के लिए एकदा का। तो एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, यशोदानंद गेहिनी, यशोदा जी कौन है, नंद गेहिनी, नंद जी अब राजा ही हैं, तो उनकी रानी होने के बाद भी यशोदा जी ने आज दही का मंथन स्वयं अपने हाथों से करने का विचार किया। अब दही मंथन के लिए तो दासियां नियुक्त हैं, तो जो दासी इस कार्य के लिए नियुक्त थीं वो आईं और अपनी तैयारी करने लगी। तो यशोदा मैया ने कहा नहीं नहीं आज तुमको दही का मंथन नहीं करना है, जाओ वहां झाड़ू पोछा लगाओ या और कोई दूसरे काम करो। तो उनको कहती कर्मांतर नियुक्त आसु, उनके दूसरे कामों में नियुक्त कर दिया, और दूसरे कामों में नियुक्त करके निर्ममंथ स्वयं दधि, स्वयं ही दही का मंथन करने लगी। अब यशोदा जी अब भारी स्थूल शरीर है, कभी कोई काम किया नहीं है, अब आज स्वयं दही का मंथन कर रही है। और दही का मंथन करते करते क्या हो रहा है, यानी यानी हगीतानि तद्बाल चरितानि च दधे निर्मंथने काले स्मरन्ते तान्यगायत। यानी यानी हगीतानि, जब माताएं घर में काम करते करते मगन हो जाती है ना, कुछ भी काम कर रही हो, झाड़ू लगा रही हो, पोछा लगा रही हो, बर्तन साफ कर रही हो, या भोजन तैयार कर रही हो, कोई भी कार्य हो रहा हो, तो इतनी तन्मय हो जाती हैं उस कार्य में कि कुछ न कुछ उसी समय गाते भी रहती हैं।
और जब माताएं गाती हैं तो उनको गाने के लिए कोई विशेष गीत या उसके बोल की आवश्यकता नहीं होती, जो कुछ भी हो मन में गाती जाती हैं, गुनगुनाते जाती हैं, जो शब्द आ जाए उसी में उनका लय बन जाता है। तो ये माताओं का स्वभाव होता है, आप लोगों को गाने के लिए कोई विशेष गीत की आवश्यकता नहीं होती है ना, काम करते करते जो मन में आ जाए गुनगुनाते रहते हैं। तो यशोदा मैया यानी यानी है गीतानी तद बाल चरितानी च। तो यशोदा मैया कोई ऐसे सांसारिक गीत तो गाएंगी नहीं, भगवान की माता हैं, तो तद बाल चरितानी च, जो भगवान ने अब तक बाल लीला की हैं उनको ही गीत के रूप में, भजन के रूप में बना करके यशोदा मैया गा रही हैं। तो हाथों से शरीर से कर्म हो रहा है भगवान के लिए, दही का मंथन हो रहा है, मुख में वचन में भगवान के लिए भजन है या गीत है, तद बाल चरितानि च उनका गायन हो रहा है। तो शरीर से भाई साधना तो मनसा वाचा कर्मणा होनी चाहिए, हम लोगों का कभी शरीर होता है तो मन कहीं और हो जाता है, कहीं मन लगे तो शरीर कहीं और है, कभी और कुछ बोल रहे हैं तो मन अलग वचन अलग कर्म अलग। जब तीनों से हम भगवान का भजन करेंगे तो फिर भगवान हमसे दूर नहीं रह सकते, फिर वो तुरंत हमें मिल जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, यदि भक्ति हो उपासना हो तो भगवान तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण देखिए पालने पर शयन कर रहे हैं और यशोदा मैया दही का मंथन कर रही हैं, इतना सुंदर चित्र खींचा यहाँ पर व्यास जी ने उस दृश्य का, आप भी मन की आंखों से देखिए, हृदय में उस चित्र का अंकन कीजिए। यशोदा जी ऐसे घुटनों के बल बैठकर दही मंथन कर रही हैं, स्थूल शरीर है, गीत गा रही हैं, यानी यानी हगीतानि तद बाल चरितानि च दधे निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। इसके बाद मंदाक्रांता छंद में बहुत सुंदर चित्रण किया उदृश्य का, क्षौमं वास पृथुकटितटे बेव्रति सूत्रनधं पुत्र स्नेह स्नुत कुच योगं जातकं पंच शुभ्रो ज्वाकर्ष श्रम भोज चलत कंकड़ो कुंडले च स्वर्णं वक्त्रं कबर विगलं मालती निर्ममंथ। छौमं वासः, छौम से बना हुआ जो कपड़ा, छौमम वास ऐसे रेशमी अर्थ कर लेते हैं, सन आदि के रेशे से बना हुआ जो कपड़ा हो, मोटा रेशमी जैसा कपड़ा हो, वो छौमम वास। जब हम अपने कुल देवता के लिए प्रसाद बनाते हैं तो प्रयास करना चाहिए कोसे आदि का कपड़ा पहनते हैं या विशेष शुद्ध वस्त्र पहनते हैं ना, वस्त्र शुद्ध हो तब प्रसाद की तैयारी होती है। तो यशोदा मैया भी भगवान के लिए लाला के लिए जब भोग की तैयारी कर रही हैं तो छौमम वास बहुत ही पवित्र रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं। पृथुकटी तटे, अब ब्रज में जो लहंगा जैसे पहनते थे मोटे कपड़े का, तो वैसे ही अपने कमर में मोटी कमर है, पृथुकटी तटे कहा उसी को, पृथु माने मोटा फूला हुआ, कटी तटे तो अपनी कमर में उन्होंने अब रेशमी लहंगा ये बांधे हुए हैं। और पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम, पुत्र स्नेह वात्सल्य भाव की रस की अधिकता के कारण यशोदा मैया के स्तन में कंपन सा हो रहा था। जात कंपम च शुभ्र हो, सुंदर भावों वाली यशोदा, शुभ्र हो सुंदर भावों वाली यशोदा रेशमी वस्त्र धारण करके अपने हाथों से दही का मंथन कर रही हैं और पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपम च शुभ्र हो। व्यास जी ने कितना सुंदर ये चित्र वहां पर खींचा है। रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत, कभी कोई काम तो किया नहीं था, अत्यंत सुकुमारी हैं, अब बार बार रस्सी खींच रही हैं तो माथे पर पसीने की बूंदें भी आ गई, कभी काम किया नहीं था। और कंकड़ो कुंडले च, अब भुजाएं हिल रही हैं तो
और शरीर हिल रहा है, तो कंकण और कुंडल ये भी हिल रहा था, माने संकीर्तन में वो भी संगत कर रहे हैं वाद्य यंत्र। और इसके बाद स्विन्नम वक्त्रम कवर विगलन मालती निर्ममंथ। यशोदा मैया मालती के फूल अपने बालों में लगा करके दही का मंथन कर रही थी। तो मालती का फूल जब मैया के सिर में लगा था, सिर में चढ़ा था, तो इतरा रहा था कि मेरे सौभाग्य को देखो, भगवान को जो अपने गोदी में खिलाती हैं उस मैया के सिर पर मैं चढ़ा हुआ हूँ। लेकिन जब मैया के भाव को देखा, भक्त के भाव को देखा, मनसा वाचा कर्मणा वो कृष्णमय हो गई, तो वो फूल लजाने लगा कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसे भक्त के चरणों में भी स्थान मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। तो इसीलिए वो फूल झर झर के नीचे गिरने लगे मैया के चरणों में। मालती निर्ममंथ। अब मैया तो मन वचन कर्म से कृष्णमय हो गई, भगवान कृष्ण अब पालने में लेटे हुए हैं। यहाँ पे विचित्र लीला का दर्शन होता है भगवान का। भगवान का तो मन होता ही नहीं है, तो उनकी कोई इच्छा भी नहीं होती, भगवान के भीतर कभी कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती। आज धन्य है एक भारतीय माता के वात्सल्य को, जिसने उस परमात्मा के भी हृदय में मन में किसी इच्छा को उत्पन्न कर दिया। ये बहुत बड़ी घटना है, छोटी मोटी घटना नहीं है। जो संकल्प मात्र से संसार की रचना कर देते हैं, संकल्प मात्र से इस विश्व को मिटा देते हैं, ऐसे कभी कोई इच्छा व्यक्त नहीं होती, जिनके भीतर इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती, ऐसे प्रभु के भीतर भी आज एक इच्छा ने जन्म लिया। अब वो क्या है? दूध पीने की। यशोदा जी के स्तन से जो दूध बह रहा था, कृष्ण जी का चिंतन करके भगवान ने सोचा ये मेरे लिए है, ये व्यर्थ जाने न पाए, व्यर्थ बहने न पाए, तो मुझे इसका पान करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण अब उठ बैठे, सोए हुए थे, उठ बैठे। अब भगवान ने सोचा दूध किस तरह पिया जाता है माता का, भाई संसारी बालक ही जानते हैं इसको। तो जब भूख लगे, दूध पीने की इच्छा हो, तो बच्चे क्या करते हैं? रोना शुरू कर देते हैं, उठे और बस रोना शुरू कर देते हैं पालने में। तो माता का कान तो वहीं लगा रहता है, घर में काम चाहे कुछ भी कर रही हो, चाहे झाड़ू लगा रही हो, भोजन बन तैयार कर रही हो, पूजा कर रही हो, लेकिन कान लगा रहता है पालने की ओर। जरा से उसके रोने की आवाज अभी तो दौड़ के चली जाती है, वहां क्या हुआ लाला? अब कृष्ण जी रोने का अभिनय करते हैं। तो पहले तो काम का दर्शन हुआ भगवान में, कुछ इच्छा तो हुई, सात्विक है कि आज दूध पीने की इच्छा। अब दूध पीने की इच्छा प्रकट हो गई, अब कैसे कहें माता से कि मुझे आके दूध पिलाओ? तो रोने लग गए, साधारण बालकों की भांति लीला कर रहे हैं, अब रोने लगे। लेकिन मैया तो मन वचन कर्म से बस अब साधना में लगी। मैया का जो कर्म है समझ लो वो तपस्या है, साधक तपस्या में लीन है। अब भगवान दर्शन देना चाह रहे हैं, लेकिन साधक तो साधना में लीन है, तो वरदान देना है तो भगवान को ही भक्त के पास चल के आना होगा। भक्त नहीं जाएगा फिर भगवान के पास, वो तो बस तपस्या कर रहा है, जहां तपस्या हो भगवान को वहीं प्रकट होना पड़ता है। इसीलिए मैया ने भी ध्यान नहीं दिया, उनको पता ही नहीं चला कि लाला रो रहा है, वो तो बस गाते आंख बंद है, गीत गा रही हैं और दही का मंथन कर रही हैं बस। तो लाला ने सोचा, भगवान ने सोचा कि मैं तो आज दूध पी के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो स्वयं पालने से उतर गए। भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी इस दृश्य को देख रहे हैं, प्रभु आज क्या हो गया है आपको, ये कैसी लीला कर रहे हैं? पहले तो इच्छा उत्पन्न हुई आपके भीतर दूध पीने की, स्तन्य काम एक नाम पड़ गया भगवान का। बोलिए स्तन्य काम भगवान की जय। ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतिम जननीम हरि गृहे त्वादधिमंथानम यसेदद प्रेतिमावहन। अब भगवान कृष्ण पालने से उतरे और धीरे धीरे यशोदा जी के पास पहुंचे, मैया के पास पहुंचे, मैया के कंधे पर अपना हाथ रख दिया, मानो भगवान कह रहे हो कि हे साधक अब और साधना की आवश्यकता नहीं है, अब यहीं रोक दो क्योंकि परमात्मा तुम्हारे सामने हैं। लेकिन साधक तो साधना में इतना लीन है कि उनको भगवान के आने का भी पता नहीं चला। ध्रुव के हृदय में स्थित भगवान को, माने जो प्रभु आए थे मधुबन में जो प्रकट हुए, उनको ध्रुव के भीतर जो छवि है उसको छिपाना पड़ गया, तब ध्रुव ने आंखें खोली थी। वैसे ही मैया अब भी दही का मंथन कर रही हैं, उन्होंने झपट कर लाला को गले से नहीं लगाया, छाती से नहीं लगाया, दूध नहीं पिलाया। भगवान ने उस दूध को बहते देखा,
कैसे तो मैं व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। और फिर स्वयं तमं कमारोढ़म पाययत्स्तनं स्नेह स्नुतं सस्मितमेक्षति मुखं अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायया उत्सृच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते। स्वयं होकर के अपने पांव को उठाया मैया के जंघा पर रखते हुए और स्वयं अपने हाथों से मैया का स्तन पकड़ करके दूध पीना शुरू कर दिया, छाती से लग गए। ये यशोदा के सौभाग्य को देखिए, कितने हजार साल कोई तप करता रहे फिर भी भगवान आके छाती से खुद होके नहीं लगते। आज मैया के सौभाग्य को देखो कि शिव जी को भी ईर्ष्या हो जाए, ब्रह्मा जी को भी ईर्ष्या हो जाए, ऐसा सौभाग्य उन्होंने आज मैया को प्रदान किया। तमंक मारुड़ स्वयं होके चढ़ गए और दूध पीने लगे। तब मैया को पता चला कि लाला यहाँ पर आया है, तब उन्होंने मंथन कार्य रोका, वहीं भूमि पर बैठ गई और लाला को दूध पिलाने लगी। अब लाला को दूध पिला रही हैं, कुछ देर अब जीव और ब्रह्म का मिलन हो रहा है। बढ़िया, मैया और लाला अब मजे में है, वात्सल्य रस वहाँ छलक रहा है। अब इसी भी देखो कैसे बाधा आती है जीव और ब्रह्म के मिलन में माया के द्वारा। मैया ने पद्मगंधा गाय के दूध को गर्म करने के लिए चूल्हे में चढ़ा दिया था, मथने से पहले, दही मंथन करने से पहले। ये सोचकर पद्मगंधा गाय वो गाय है जिसका दूध भगवान गोलोक धाम में नित्य पीते हैं, जिसके दूध में कमल से गंध हो, है ना, वो पद्मगंधा गाय। तो उस पद्मगंधा के दूध को, अच्छा पद्मगंधा गाय इस पृथ्वी पर क्यों आई थी ब्रजमंडल में, उसने सोचा कि ये तो वो सोचती है गाय जो है कि भगवान मेरा ही दूध पीते हैं वहाँ गोलोक धाम में, अब प्रभु गोलोक धाम छोड़ के वहाँ ब्रज में जा रहे हैं तो उनको तो इसी दूध को पीने की आदत है, तो मैं भी चलूँ साथ में और वो मेरे ही दूध को पियेंगे। अब पद्मगंधा गाय के दूध को भगवान ने अभी तक होंठों से लगाया नहीं, पिया नहीं, आज उसको मौका मिलने वाला था। मैया ने गर्म करने के लिए रखा था चूल्हे पर, लेकिन भगवान ने तो मैया के ही दूध को पीना शुरू कर दिया। तो पद्मगंधा गाय का दूध सोचता है कि मेरा तो इस ब्रज में आना ही व्यर्थ हो गया, बेकार गया, अब तो मेरी बारी आएगी ही नहीं, भगवान तो मैया के ही दूध से तृप्त हो रहे हैं, तो मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, तो मुझे अब आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो दूध उबल करके चूल्हे में जो गिरने लगा तो अर्थ किया गया कि वो आत्महत्या करना चाह रहा है, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, अब क्या करूंगा जी करके जब मैया के दूध से भगवान तृप्त हो रहे हैं। तो अब उसके गिरने से जो थोड़ी बहुत ध्वनि हुई सनसनाहट से, तो मैया समझ गई कि दूध फलने वाला है, तो लाला को झटके से नीचे एक प्रकार से पटक दिया, क्योंकि हड़बड़ी थी ना, और इसके बाद दौड़कर चली गई दूध की ओर। दूध ने सोचा मैं तो मर रहा हूँ, वो भी जीव और ब्रह्म के मिलन में बाधक, तो अभी मरने का समय भी मेरा ये उचित नहीं है। तो मलाई फट जाने से कभी कभी दूध सहम के नीचे हो जाता है ना अपने आप, वैसे ही वो नीचे हो गया। अब भगवान को देखो, पहले उन्होंने लोभ का प्रदर्शन किया, काम का प्रदर्शन किया, दूध पीने की इच्छा होगी ना, अब इन्होंने क्रोध किया। संजात कोपः स्फुरितारुणाधरं संदस्य दद्भिर्दधिमन्थ भाजनं भेत्वा मृषाश्रुर्दशदश्मनारहो जघास हैयंगवमन्तरं गतः। अब क्रोध भी दिखा रहे हैं, काम क्रोध लोभ कभी भगवान में आ सकते हैं भला, लेकिन आज ये सब लीला के अंग हैं। अब इन्होंने पहले लोभ का प्रदर्शन किया, अब क्रोध का प्रदर्शन किया कि मैया ने दूध के लिए मुझे पटक दिया नीचे, बहुत माया मोह में अटक रही है ना। तो भक्ति में, साधना में एक सिद्धांत है, अगर कोई साधक बहुत ऊंचाई पर चला जाए और उसके बाद यदि उसका मन किसी वस्तु या व्यक्ति पर अटकने लगे तो भगवान उस वस्तु या व्यक्ति को छीन लेते हैं उससे, ताकि वो फिर से अपने मन को भगवान में लगा सके। तो भगवान ने सोचा ये दूध के लिए मुझे पटक कर चली गई ना, आज मैं अब इनके मोह को दूर करता हूँ, एक कटोरे दूध के लिए मुझे पटक दिया, अब देखो मैं कितना दूध बहाता हूँ। तो फिर वहाँ पर एक डंडा उठा करके फिर धीरे धीरे कई मटकों को तोड़ दिया, दूध दही की धार बहा दी उन्होंने। अब जब मैया लौट करके आई तो देखा कि इसने तो कितने मटकों को तोड़ दिया है, तो कहा ये तो बहुत नटखट हो गया है, दूसरी गोपियाँ जब शिकायत करने आती थी तो मैं इसको डांट नहीं पाती थी, लेकिन आज तो एक साथ इसको मैं दंड दूंगी। अब वो बहुत नाराज हुई मैया जो है,
अब एक छड़ी उठा लिया, वहीं पर पड़ी हुई एक छड़ी थी उसको उठा लिया और भगवान कृष्ण के पीछे दौड़ती हैं, आज छड़ी से मारूंगी। मैया को जब अपने पीछे देखा तो भगवान भी भयभीत हो गए, बोले आज भाबा तेरे में मैया दो चार छड़ी लगा न दे। और वैसे तो मैया के हाथों मार खाना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आकाश में ये देवता हैं, गंधर्व हैं, दिन रात देखते रहते हैं यक्ष किन्नर आदि। जब मैं लीला संवरण करके जाऊंगा ना तो मुझे चिढ़ाएंगे, आपको भी मार पड़ी ना, आखिर कोई देखने वाला नहीं होता तो चुपचाप मार खा लेता, लेकिन देखने वाले तो बहुत लोग हैं। तो भगवान फिर आगे भागने का अभिनय करते हैं, भागते हैं। अब भगवान आगे आगे भागने लगे, पीछे पीछे मैया छड़ी लेकर के दौड़ा रही हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था इसीलिए कि महाप्रभु जी ने कि वात्सल्य भाव का यही दोष है, कभी कभी भावातिरेक में भक्त भूल जाता है कि मैं भक्त हूँ, ये भगवान है, भगवान के ऐश्वर्य को भूल जाते हैं और ऐश्वर्य विरुद्ध लीला हो जाती है कुछ भक्त के द्वारा। अब मैया छड़ी लेकर दौड़ा रही हैं, देखो भगवान को अगर एक आध दो छड़ी लगा देती तो मैया भगवान का पीछा करती हैं छड़ी लेकर। मैया को लगता था कि बस एक दो पाँव और बढ़ाऊंगी और लाला को पकड़ लूंगी। हम सबको लगता है ना, साधन करते भजन करते बस एक पाँव और बढ़ाना है, भगवान को पकड़ ही लेंगे। लेकिन कई जन्मों से दौड़ा रहे हैं, न जाने कब हमारे हाथों में आएंगे। लेकिन इतनी दूर भी नहीं चले जाते कि कोई साधक निराश हो जाए, मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, अब बेकार है इनके पीछे दौड़ना, ऐसा भी किसी को आभास होने नहीं देते, किसी को निराश नहीं करते, लेकिन जल्दी पकड़ में आते भी तो नहीं है। अब भगवान भागते रहे, मैया उनको दौड़ा रही हैं, लेकिन भगवान ने एक निश्चित दूरी बनाए रखी कि मैया जो है थक हार के खड़ी मत हो जाए। और जब मैया को लगता कि मैं बहुत दूर चले गए लाला, मैं नहीं पकड़ पाऊंगी, तो भगवान अपनी गति कुछ धीरे कर देते, तो मैया का जोश बढ़ जाता और फिर दौड़ाती। ऐसे महल के कई चक्कर लगा लिए बेचारे स्थूल शरीर, जब हाँफने लगी तो सोचा भगवान ने कि अब जब ये निराश हो जाएंगी तो भगवान स्वयं ही रुक जाते हैं और मैया ने पकड़ लिया। तो जब भगवान पकड़ में आ जाए ना तो साधक को लगता है ये मेरी साधना का प्रभाव है, जो मैंने भगवान को पा लिया। लेकिन वो तो भगवान की कृपा है जो हमारे हाथों आ जाते हैं या हृदय में आ जाते हैं, हमारी साधना में वो बल कहाँ, वो असर कहाँ कि हम उनको प्राप्त कर सकें। चलिए कुछ देर कीर्तन। मिलिया मेरा भूला सामन, छीन लिया मेरा भूला सामन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लिया मेरा भूला सामन, छीन लिया मेरा भोला सामन, ओ राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लिया मेरा भोला सामन, छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। गोकुल में गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन वो माँ का कन्हैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, सखियों का मोहन वो माँ का कन्हैया, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लिया मेरा भोला सामन, छीन लिया मेरा भोला सामन, ओ राधा रमन प्यारो राधा रमन, भोला समन, दुनिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, ओ यमुना में जल में वही श्याम खेले,
लहरों में उछले और करत किलोले, यमुना में वही शाम खेले, लहरों में उछले और करत किलोले। हो पिछड़न कभी और कभी हो मिलन, पिछड़न कभी और कभी हो मिलन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, हो राधा रमन प्यारो राधा रमन। घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, जा करके देखा वो मंदिर के अंदर, घट घट के अंदर वही सबके। हो जा करके देखा वो मंदिर के अंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर। जा करके देखा वो मंदिर के अंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर। कुंडल हलन हाँ कुंडल हलन और तिरछी चलन, कुंडल हरण और तिरछी चलन। हो राधा रमन प्यारो राधा रमन, हो राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सामन, छीन लिया मेरा भोला सामन। हो राधा रमन प्यारो राधा रमन, हो राधा रमन प्यारो राधा रमन। हाँ छीन लिया मेरा भोला सामन, छीन लिया मेरा भोला सामन। हो राधा रमन प्यारो राधा रमन, हो राधा रमन प्यारो राधा रमन। बोलो राधा रानी की जय। यशोदा मैया भगवान कृष्ण को पकड़ती हैं, भगवान ही स्वयं उनके हाथों में आ जाते हैं, लेकिन मैया को लगा कि मैंने पकड़ लिया। साधक को लगता है ये मेरी साधना का प्रभाव है, लेकिन होता तो वास्तव में वो भगवान की कृपा है जो वो हमें दर्शन देते हैं या हम पर कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं। अब मैया ने पकड़ लिया, कहा नटखट तो बहुत उपद्रवी हो गया है, आज तक गोपियां शिकायत करने आती थी और मैं उनकी बातों को नहीं मानती थी, आज मैंने देख लिया कि तुमने अपने घर में ही ये सब उपद्रव किया है, मटकों को तोड़ दिया है, तुम्हें इसका दंड मिलना चाहिए। छड़ी लेकर दौड़ाया तो जरूर था, लेकिन भगवान की आंखों में उस समय आंसू देखे, भगवान भयभीत होने का अभिनय करते हैं ना, जो मैया दौड़ा रही है तो उसमें जो आंसू देखे तो मैया का हृदय पिघल गया, छड़ी को फेंक दिया, कहा मारूंगी तो नहीं लेकिन तुम्हें दंड भी तो देना है। तो रस्सी उठाया और भगवान को उखल से बांधने का प्रयास करती हैं, और जब उखल से बांधने का प्रयास करती हैं तो रस्सी जो है वो दो अंगुल कम हो जाता है, गांठ लगाते समय दो अंगुल कम पड़ गया। बोले और रस्सी ले आओ, उसको भी जोड़ लिए, फिर घुमा फिरा कि गांठ लगाते समय दो अंगुल कम ही पड़ जाए। फिर रस्सियां बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, लेकिन यदा से तदपि न्यूनम तेनान्यदपि संदधे तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। तो दो अंगुल कम ही पड़ जाता था वो रस्सी। तो इसके बाद एवं स्वगे हदामानि यशोदा संध्यधत्यपे
गोपे नाम सुस्मयन्ते नाम स्मयन्ते विस्मिता भवत। और भी रस्सी लालाकर जोड़ जोड़ कर बांधने का प्रयास करती हैं, लेकिन भगवान को बांध नहीं सकें। आज तक कोई भगवान को बांध नहीं सका। जो अनंत हैं, जो विराट रूप हैं, उनको भला कोई कैसे बांध सकता है। इसलिए कोई भगवान को, वैसे दो अंगुल ही कम क्यों पड़ा, इस पर बहुत सी टिकाएँ होती हैं द्वैत आदि का। जो द्वैत, जिसके मन में द्वैत हो उसको नहीं बांधा जा सकता, ऐसे कई प्रकार से बातें कही जाती हैं। पर ये तो प्रेम का बंधन है, द्वैत अद्वैत की हम फेर में नहीं पड़ेंगे यहाँ। यशोदा जी भगवान को बांधना चाह रही हैं, लेकिन बांध नहीं पा रही। बहुत देर तक प्रयास करती नहीं। अब कुछ कहते हैं बाद में एक रस्सी और मंगाई गई बरसाने से, राधा जी की यहाँ से रस्सी आई तो भगवान तुरंत बंध गए, क्योंकि प्रेम की डोरी थी ना। परंतु यहाँ पर जो चर्चा है उसके अनुसार भगवान ने देखा, स्वमातो क्विन्स्विन्न गात्राया विस्त्रस्त कबरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया सेत स्वबंधने। मैया तो भगवान को नहीं बांध सकी, कृपा करके भगवान ही स्वयं बंध गए। कृपया सीत स्वबंधने, भगवान ही बंधे हैं, उनको कोई बांध नहीं सका। लेकिन चाहे भगवान बंधे या मैया ने बांधा हो, भगवान का बंध जाना तो हुआ। अब भगवान का बंध जाना ये तो बहुत अलौकिक घटना थी, बहुत बड़ी घटना है, छोटी मोटी घटना नहीं है। आज तक कोई भी भगवान को बांध नहीं सका। गुण माने होता है माया, गुण रस्सी को गुण कहते हैं, गुण माने माया। तो गुण रस्सी या माया आज तक ब्रह्म को नहीं बांध सकी, जीव को भले ही बांध दे, लेकिन आज ब्रह्म को बांध दिया उस रस्सी ने, माया ने, गुण ने, तो आश्चर्य का विषय है ही, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? भगवान की कृपा, अपनी कृपा से ही वे बने हैं। कृपया सीत स्वबंधने, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है, सुखदेव जी तो इस कथा को कहते कहते भाव विह्वल हो जाया करते थे। उन्होंने कहा, नेमं विरंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादं लेभिरे गोपे यत्तत्प्राप विमुक्तिदा। नेमं विरंचो, ब्रह्मा जी को यह सौभाग्य नहीं मिला कि कभी भगवान को बांध सके। प्रेम सही सही चलो। नेमं विरंचो न भवो, न शंकर जी को यह सौभाग्य मिला, न श्री रप्यंग संश्रया, और न ही लक्ष्मी जी को यह कभी सौभाग्य मिला, जो उनके चरणों की सेवा करने वाली हैं, उनको भी यह सौभाग्य नहीं मिला कि वे भगवान को बांध सकें। न श्री रप्य अंग संश्रया प्रसादम ले भीरे गोपी यत्त प्राप विमुक्तिदाद। आज जो प्रसाद, जो कृपा यशोदा जी पर वही है हुई है, वो कृपा आज तक और किसी पर नहीं हुई। ये सौभाग्य केवल यशोदा जी ही प्राप्त कर सकी हैं। नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्तिमितामिह। ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम, जो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, उनको ये सौभाग्य नहीं मिलता कि भगवान को बांध सकें। ये तो प्रेमियों को ही मिलता है ये सौभाग्य कि वे भगवान को बांध सकें। आज यशोदा जी ने भगवान को बांध के दिखा दिया। अच्छा, यशोदा शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो यश का दान करें उसको यशोदा कहते हैं, यशोदा। आज यशोदा ने, नंद पत्नी ने भगवान के यश को बढ़ा दिया, भगवान को यश का दान दिया है। कौन सा यश? कि भगवान भी भक्तों के प्रेम में बंधते हैं। भगवान की इस विशेषता को संसार के समक्ष प्रकट किया कि भगवान को भी प्रेम में बांधा जा सकता है। तो भगवान का यश बढ़ा ना, कीर्ति बढ़ा, तो भगवान को भी यश का दान कर दिया। तो सही अर्थों में आज ये यशोदा हुई, अपने नाम को सार्थक किया। तो यशोदा, तो जो कृपा यशोदा पर हुई है और कोई प्राप्त नहीं कर सका, कि स्वयं उसकी छाती से जाकर भगवान लग जाते हैं, दूध पीते हैं। आवाज यशोदा ने भगवान को बांध दिया। बलराम जी ने आकर कुछ समझाने का प्रयास किया, मैया जो कुछ हो गया सो हो गया, लाला है जाने में हो गया, दोबारा नहीं करेगा, मैं समझा दूंगा, मत बांधो। लेकिन मैया ने कहा, ज्यादा करोगी तो तुमको भी बांध दूंगी।
आज ज्यादा पक्ष मत लो अपने भाई का, तुम्ही ने बिगाड़ रखा है तुम्हारे दुलार ने, आज इनका पक्ष मत लेना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, कुंठ में विराजे घनश्याम राधे राधे, वैकुंठ में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे गोपाल 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 राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो अलबेली सरकार की जय। तो भगवान कृष्ण को मैया ने आज बांध दिया, उखल से बंधे हुए हैं प्रभु। मैया तो वहां से कुछ देर चली गई, भगवान ने सोचा कि आंगन में जो दो अर्जुन के वृक्ष हैं यमलार्जुन, आज उनमें कुबेर के जो दो पुत्र शापित हैं नलकुबर और मणिग्रीव, उनको आज शाप से मुक्त करना है। देखिए जो भी लीला होती है ना उसमें भगवान की इच्छा छिपी होती है। भगवान को उखल से बांधा इसलिए गया क्योंकि उनको मुक्त कराना है ना नलकुबर और मणिग्रीव को। तो भगवान उखल को खींचते खींचते अब दोनों वृक्षों के बीच से तो निकल गए स्वयं, लेकिन उखल अटक गया और एक हल्का सा झटका दिया तो वो वृक्ष बरबरा करके नीचे गिर जाता है और वहां से नलकुबर और मणिग्रीव दोनों बाहर आते हैं और दोनों पुरा नारद शापे न वृक्षताम प्रापितो मदात नलकुबर मणिग्रीवावितिख्यातो श्रियान्वितो। ये दोनों नलकुबर और मणिग्रीव थे जो आज शाप मुक्त हुए, दोनों भगवान की उनको प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा करके अपने धाम को चले जाते हैं। परीक्षित जी ने पूछा कि कथ्यताम भगवन ने तत्तयोः शापस्य कारणम, कि उन दोनों को शाप किस कारण से दिया गया था इसको मैं सुनना चाहता हूं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि रुद्रस्यानुचरो रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तो धनतात्मजो कैलासो पवने रम्ये मंदाकिन्या मदोत्कटो। अब इनको ये शाप क्यों मिला? तो ये दोनों कुबेर जी के पुत्र हैं। तो पहले तो कहा रुद्रस्य अनुचरो, भगवान शंकर के ये अनुचर हैं, कैलाश में रहते थे कैलाश पर्वत पर। अब सुदृप्तो धनदात्मजो, अब कुबेर जी के पुत्र हैं तो पिता जो धन कमाता है यदि वो स्वयं का अर्जित धन है तो उसको अहंकार नहीं होता है क्योंकि वो जानता है कि ये धन मैंने कितनी कठिनाई से प्राप्त किया है। लेकिन पुत्र को बिना कमाए ही जब वो प्राप्त हो जाए तो एक बार उसको मद हो सकता है। तो कुबेर जी ने जो धन अर्जित किया, अब कुबेर जी कौन है, शिव पुराण में विचित्र कथा है कुबेर जी धनी कैसे हुए। एक ब्राह्मण था, उसका पुत्र कुछ काम काज करता नहीं था, पढ़ा लिखा भी नहीं, तो उससे परेशान होकर के उसके पिता ने और उसके और भी कई उसमें कुछ दोस्त थे उनसे परेशान होकर के पिताजी ने घर से निकल उसको बाहर निकाल दिया। अब वो बालक भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा था। एक दिन एक शिव जी के मंदिर में प्रवेश करता है रात्रि के समय, जोर से भूख लगी थी, अब सावन का महीना है तो शिव जी के वहाँ शिव जी का जो विग्रह था लिंग वहाँ पर पहुँचा
और उसमें तो बेलपत्ता और धतूरे का फूल सब लदा हुआ था, पूरा कनेर का फूल। तो उस बालक ने सोचा एक आध दो तो सेब का फल केला कुछ मिल ही जाएगा, टटोलने लगूं अंधेरे में तो मेरा पेट भर जाए। तो भूख से पीड़ित वह बालक फल टटोलने लगा और जब फल नहीं मिला, हाथ में केवल धतूरे का फल आता था बार बार, बोले कहीं दीपक जल जाए तो दीपक के प्रकाश में मैं अच्छा कोई फल ढूंढ सकता हूँ खाने योग्य। अब दीपक नहीं मिला, अब हो सकता है उसने किसी तरह से कोई आग जलाने की व्यवस्था कर ली होगी, चाहे चकमक पत्थर हो या माचिस हो उस समय जो भी हो। अब लेकिन तेल और रोई दीपक आदि की व्यवस्था नहीं कर सका, बोले कैसे जलाऊं। तो उसने अपना कुर्ता निकाल लिया, उसको फाड़ दिया और किसी तरह से उसको ही जला दिया। अब कुर्ता जलाकर उसके प्रकाश में प्रसाद ढूंढने लगा। अब उसमें अब कुर्ता जलेगा तो भभक भभक कर जो रोशनी होगी उसको घर के जो मंदिर के आसपास जिनका घर था उन्होंने देखा अपने घर से कमरे से खिड़की से दरवाजे से, अरे मंदिर में कुछ जल रहा है। तो दौड़कर सब मंदिर में आए, कहीं आग तो नहीं लग गई मंदिर में धोखे से। आकर देखा कि लड़का प्रसाद चोरी के लिए या अन्य किसी घंटी हो सकता है घंटी आदि को चुराने आया हो, पीतल की घंटी है, तो उसको चोर समझकर लोगों ने पीटना शुरू कर दिया और इतना पीटते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई। अब शंकर जी क्या सोचते हैं कि देखो तो दूसरे लोग आते हैं और मंदिर में अंधेरा देख करके तेल बाती दिया सब इकट्ठा करके दीपक जलाते हैं, और इस बालक ने मेरे मंदिर में अंधेरा देखा तो अंधेरे को दूर करने के लिए अपना कुर्ता फाड़ के जला दिया और फिर भी लोगों ने इन्हें मार दिया, अच्छा नहीं किया। तो इसने मेरे मंदिर में आज उजाला किया है, दीप दान किया है, तो इस पुण्य के प्रभाव से मैं इसे अगले जन्म में राजा बना देता हूँ। तो उस बालक को, उस प्रसाद चोर को अगले जन्म में भगवान शंकर ने कलिंग देश का राजा बना दिया और उनको पिछले जन्म का स्मरण भी बना रहा। अब उस राजा ने विचार किया कि मैं प्रसाद चोरी के लिए गया था तब तो इतना बड़ा मुझे सौभाग्य मिला, आज देखो कि मैं कलिंग देश का राजा हूँ, इस फल की प्राप्ति हुई, तो जीवन भर यदि मैं दीप दान करूंगा तो न जाने मुझे और क्या क्या मिल जाए। तो स्वयं अपने राज्य के जितने मंदिर थे सब में ऐसी व्यवस्था कर दी, राजा के धन से पुजारी नियुक्त कर दिया कि प्रत्येक मंदिर में दीपक जलने चाहिए। और एक बार अपनी प्रजा को भी इकट्ठा करके उसने सब बता दिया कि पिछले जन्म में मैं प्रसाद चोरी करने गया था, कुर्ता जलाया तो आज मैं राजा हुआ हूँ, आप सभी श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के मंदिरों में दीप दान कीजिए। दीपावली में अपने घर में बहुत झालर लाइट लगाते हैं लेकिन अपने ही मोहल्ले में स्थित मंदिर में अंधेरा हो तो ये अच्छी बात नहीं है, हमारे घर में ही प्रकाश हो, भगवान के भी मंदिर में प्रकाश हो, ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो अब उस कलिंग देश के राजा ने अब जीवन भर दीपदान किया। अब मरने के बाद अब भगवान शंकर ने विचार किया कि चोरी करने आया था तो इसको राजा बनाया, अब जीवन भर दीपदान किया इसको मैं क्या बनाऊं। तो उसी व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण ने, शंकर जी ने कुबेर बना दिया। दो जन्म पहले का प्रसाद चोर है लेकिन आज कुबेर बना हुआ है, धनाध्यक्ष बना हुआ है, ये दीपदान का प्रभाव। तो अब इनके दो पुत्र हैं नलकुबर और मणिग्रीव, तो इनको धन का मद था, इनका इनको किस किन 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 कारणों से मद है उसका उल्लेख इन दो श्लोकों में आया है। एक तो भगवान शंकर के अनुचर हैं, भले हम शिव जी के अनुचर हैं हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, ऐसा भी भाव आ जाता है, ऊपर से कुबेर जी हमारे पुत्र हैं, घर में पिता हैं हमारे, घर में धन की क्या कमी है। तो रुद्रस्य अनुचरो भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ और वारुणीम मदिराम पीत्वा, और ऊपर से वारुणी मदिरा पी ली तो उसका भी मद, और मदा घुरणित लोचनो आंखें लाल हो रही थी इस मद के कारण, और स्त्री जनैर अनुगायत भी चेरतु पुष्पिते वने, और साथ में कुछ स्त्रियां भी हैं चाहे अप्सराएं हो उनके साथ वो विहार कर रहे हैं वन में, अंत प्रविश्य गंगायाम गंगायाम अम्भो जवन राजिनी, और फिर गंगा जी में प्रवेश करके ये जल क्रीड़ा में मग्न हो गए हैं। मद मदिरा पिया हुआ शरीर, पिताजी का धन और स्वामी स्वयं शंकर जी और युवावस्था और साथ में अप्सराएं भी हैं, तो इस प्रकार से मद में चूर ये दोनों बालक जल क्रीड़ा में मग्न हैं, जल क्रीड़ा समासक्त हो रहे हैं। ऐसे समय में वहां पर नारद जी आते हैं, तो नारद जी को अपश्यन नारदो देवो क्षीवाणो समबुद्ध्यत
तम दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्राः साप संकिताः। तो जो स्त्रियां थी वहां पर जब नारद जी पहुंचे तो उनको तो लज्जा का अनुभव हुआ कि हम लोग विवस्त्र हैं और वासान से परिधो शीघ्रम विवस्त्रो नैव गुह्यको, और झट से उन्होंने अपने अपने कपड़े पहन लिए। लेकिन जो ये नलकुबर और मणिग्रीव थे ये ऐसे ही खड़े रहे मद के कारण। अब उनको नारद जी ने देखा तो नारद जी को दया आ गई, क्रोध नहीं आया, संत कभी क्रोध नहीं करते हैं, शाप भी देते हैं तो ये कृपा होती है, क्रोध नहीं होता है। अच्छा आज तक विचार करके देखिए, पुराणों में जितनी भी हम कथा सुनते हैं, जिनको जिनको भी शाप मिला है उनके तो मुक्ति की गारंटी हो गई, जिसको भी शाप मिला उसके मुक्ति की गारंटी हो गई, उसकी मुक्ति जरूर हुई है। हमको आपको किसी ने शाप नहीं दिया देखो तो बीच में लटके हुए हैं, जिसको भी शाप मिला उसके मुक्ति की गारंटी। इससे क्या पता चलता है कि संतों का क्रोध भी कल्याणकारी होता है। जैसे माता पिता गुरु भगवान अपने आश्रित पर जब क्रोध करते हैं तो इसमें वैर भाव नहीं होता है, इसमें सुधारने की भावना होती है। उसी प्रकार जब संत क्रोध करते हैं तो उसमें भी सुधारने की भावना छिपी होती है। तो आज नारद जी ने यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, तव दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्री मदांधौ सुरात्मजौ। कुबेर जी के उन दोनों पुत्रों को धन के मद में और मदिरा के मद में चूर होते देखा तो तयोर अनुग्रहार्थाय अनुग्रह करते हुए शापम दास्यम निदम जगौ। नारद जी ने उन दोनों को शाप दिया, कृपा करके, अनुग्रह करके। क्या शाप दिया कि जाओ तुम दोनों वृक्ष हो जाओ, वृक्ष की भांति निर्लज खड़े हुए हो बिना वस्त्र के। अब वृक्ष तो कपड़े पहनते नहीं है, खड़े रहते हैं ऐसे ही, तो वृक्ष की भांति निर्लज खड़े हो यहाँ पर संत को देखकर, तो जाओ वृक्ष हो जाओ, ऐसा शाप दे दिया नारद जी ने। अब जब नशा उतरा तो अब इन्होंने अब नारद जी के पांव पकड़ लिए, कहा प्रभु हमारी मुक्ति कैसे होगी। बोले मैंने कृपा करके ही शाप दिया है ना, अगर साप नहीं देता तो न जाने तुम इस धन के मद में और युवावस्था के मद में न जाने क्या क्या पाप करते और तुम्हारी दुर्गति हो जाती। लेकिन आज मैंने जो तुम्हें साप दिया है उसके कारण से तुम जाओ नंद महल में, उनके आंगन में वृक्ष हो जाओ और भगवान कृष्ण तुम दोनों को गिराएंगे, तब तुम दोनों की मुक्ति होगी। तो इस प्रकार नलकुबर और मणिग्रीव इनका उद्धार भगवान के द्वारा हुआ। तो नलकुबर और मणिग्रीव भगवान को प्रणाम करते हैं मुक्ति मिलने के बाद, और कहते हैं कि प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टे सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। हे प्रभु ये जो वाणी है, वाणी गुणानुकथने, ये जीव मिली है, वाणी मिली है आपके गुणानुवाद को गाने के लिए, और श्रवणौ कथायाम कान मिला है आपकी कथा सुनने के लिए, हस्तौ च कर्मसु हाथ मिले हैं आपकी सेवा करने के लिए, अब मनसस्तव पादयोर्नः मन आपके चरणों में लगने के लिए मिला हुआ है, स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे और बुद्धि जो है सिर जो है आपको प्रणाम करने के लिए, आपका स्मरण करने के लिए, अदृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम अदृष्टि मिली है आपके दर्शन करने के लिए, और इन अंगों का कोई दूसरा उपयोग नहीं होना चाहिए, ये पूरा शरीर आपके लिए ही समर्पित होना चाहिए, ऐसा कहकर फिर प्रणाम करके नलकुबर मणिग्रीव वहां से चले जाते हैं। एक कथा रह गई, कथा के क्रम में कुछ आगे बढ़ गए, नामकरण की, भगवान का नामकरण ही नहीं कर पाए। गर्गाचार्य जी पुरोहित हैं वसुदेव जी महाराज के, अब नंद बाबा के पुरोहित तो सांडिल्य महाराज जी हैं। अब गर्गाचार्य जी पुरोहित को स्वीकार करते हैं सिर्फ इस लोभ में कि भगवान का जन्म इस परिवार में होने वाला, इस कुल में होने वाला है, और मुझे उनका नामकरण जातकरण उपनयन विवाह आदि संस्कार कराने का सुअवसर मिलेगा। लेकिन भगवान तो जन्म लेते ही मथुरा से गोकुल चले गए, तो अब गर्गाचार्य जी सोचते हैं कि मुझको पहले से पता होता तो मैं गोकुल का ही पुरोहित हो जाता पहले से, अब गलती हो गई। तो वसुदेव जी के पास गए, चर्चा करते हैं, तो वसुदेव जी ने कहा कि महाराज आप जाइए, मेरा एक पुत्र तो वहां है ही रोहिणी पुत्र,
तो उसके नामकरण के बहाने जाइए और दोनों पुत्र का साथ में नामकरण हो जाएगा। आप तो जानते हैं कि दोनों ही मेरा ही पुत्र है। तो गर्गाचार्य जी, गर्गह पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी के द्वारा भेजने पर गर्गाचार्य जी गोकुल आते हैं। नंद बाबा ने उनका स्वागत किया, पूजन किया और कहते हैं कि आज मेरा सौभाग्य है कि आपके जैसा महात्मा मेरे घर पहुंचा, आपके चरण यहाँ पर पड़े। नंद बाबा कहते हैं कि आप बहुत अच्छे समय में आए हैं महात्मा जी। गर्गाचार्य जी, अभी अभी कुछ दिनों पहले मेरा भी एक पुत्र हुआ है और आप तो वसुदेव जी के पुरोहित हैं, वसुदेव जी का भी एक पुत्र यहीं हुआ है रोहिणी के द्वारा, दोनों का अभी तक नामकरण नहीं हुआ है, तो आप आज ही नामकरण कर दीजिए। त्वम हे ब्रह्मविदां श्रेष्ठः संस्कारान् कर्तुमर्हसे बालयोरनयोर्नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। आप ही दोनों पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी क्या कहते हैं, आए तो हैं नामकरण करने के लिए, कब उस लाला के दर्शन हो, खुद उत्सुक हैं, प्रतीक्षारत हैं, लेकिन अब ऊपर ऊपर कैसे कहें, जल्दी सेखी वाले कैसे मान जाए। तो कहते हैं बहाना बनाते हुए, यदो नाम अहमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। कंस तो देवकी के आठवें पुत्र को ढूंढ रहा है। अब मैं यदु नाम अहमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः, पूरे भूमंडल पर, पृथ्वी पर मैं यदु वंशियों का पुरोहित हूँ, इस रूप में प्रसिद्ध हूँ, और यदि तुम्हारे भी पुत्र का नामकरण मैंने किया तो कंस को पता चल जाएगा कि यह देवकी का आठवां पुत्र है, या वो मान लेगा कि यही देवकी का आठवां पुत्र है और इसको मरवाने का प्रयास कर सकता है, इसलिए मुझसे मत करवाओ। नंद बाबा ने कहा, नहीं महाराज, आप जैसा ज्योतिष का जानने वाला और कहाँ मिलेगा, पूजा तो आप ही कर दीजिए, नामकरण आप ही कर दीजिए। तो इसके लिए मेरे पास एक उपाय है, अलक्षितोऽस्मिन् रहसे मामकैरपि गोव्रजे कुरो द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। कि महाराज, नामकरण में हम किसी को निमंत्रण नहीं देंगे, किसी को बुलाएंगे नहीं, अब गौशाला में छिप करके ये काम हो जाए। कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। बहुत लंबी चौड़ी कोई पूजा इसमें ना हो और संघंटी आदि मत बजाइए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे करवट बदलने पर तो इतना बड़ा उत्सव हुआ था कि पूरा ब्रजमंडल इकट्ठा हो गया था, और नामकरण जैसे महत्वपूर्ण संस्कार में आप किसी को नहीं बुलाओगे, छिपके पूजा करा लोगे, तो क्या कहेंगे सब ब्रजवासी लोग कि नंद बाबा आप कंजूस हो गए हैं बेटा होने पर, देखो भोजन कराने, प्रसाद कराने या कुछ भेंट देने से बचने के लिए चोरी छिपे पूजा करा लिया। अब छत्तीसगढ़ से आए हैं तो एक दृष्टांत वहां का दे देते हैं। एक था तो मालगुजार परिवार का, उसने सोचा गांव घर में कथा होती तो पूरे गांव भर के लोग आ जाते हैं, प्रसाद बांटते बांटते जीव उगता जाता है। तो महाराज जी को बोले, महाराज आधी रात को आइए कथा पढ़ने, जब पूरे गांव के लोग सो जाएं और चुपचाप बस आप रहेंगे, मैं और नई को बुला लेंगे, ठाकुर को, नई ठाकुर को, बस तीन लोग रहेंगे गांव घर के, एक आध दो लोग रहेंगे और पूजा हो जाएगी ठीक। अब आधी रात को बुला लिया, अब पूजा हो रही है, अब महाराज जी की आदत है जैसे ही एक अध्याय पूरा हुआ तो जोर से शंख फूंक देते थे, अब आदत के अनुसार इन्होंने शंख उठाया फूंक दिया, तो पूरे मोहल्ले के लोग जान गए कि ये कथा हो रही है। अब आया तो कोई नहीं, अब सवेरे पूछते थे क्या कौन सी पूजा हो रही थी भाई, रात को शंख घंटी की ध्वनि आ रही थी घर से, अब बताना ही पड़ा फिर, अरे कथा करवा लीजिए, पंडित जी को बहुत कई घर पूजा थी ना, दिन में नहीं आ पाए तो रात को आए, बहाना बनाएंगे पंडित जी के ऊपर गिराएंगे ना, तो ऐसे गड़बड़ी ना। नंद बाबा तो बड़े उदार हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन कंस से बचने के लिए उन्होंने कहा कि अलक्षितोस्मिन रहसि माप कई रपि गोव्रजे, गौशाला में अब मेरी तो 9 लाख गाय थी, 2 लाख गाय का दान मैं दे चुका हूं जन्मोत्सव में, तो उनके बांधने के लायक जो कोठा है, गौशाला है, वो तो खाली है ना, तो बहुत भीतर, अब गौशाला में भी तो सेवक लोग आते जाते रहते हैं, वहां भी पूजा कराएंगे तो भेद तो खुल ही जाएगा। तो बोले, वो जो 2 लाख गायों को बांधने का स्थान जो रिक्त है ना, बहुत कोने में एकांत में जाके हम लोग पूजा करते हैं, और संघंटी मत बजाना आप भी, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी, पड़ोसी लोग जान जाएंगे।
तो कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम, स्वस्ति वाचन कर देना एक आध दो मंत्र धीरे से, उसको भी चिल्ला के मत बोलना हरे ओम स्वस्ति ना, ऐसा नहीं चिल्लाना, एक आध दो मंत्र स्वस्ति ना इंद्रो वृद्धस्रवा ऐसा धीरे से पढ़ देना और नामकरण कर दो महाराज। कहा ठीक है, तो कम से कम बुआ को तो बुलाओगे नामकरण में। कहा नंदा सुनंदा तो बुला लेंगे उनको, बस किसी को चोरी छिपे उनको बुला लेते हैं, बहाना करके घर आ जाओ कुछ काम है, और नामकरण कर देंगे उनको, नोछावर दे देंगे बस। कहा तो ठीक, अब तैयारी हो गई। अब गर्गाचार्य जी बेचारे व्याकुल हैं, कब भगवान का दर्शन हो कब भगवान का दर्शन हो। लेकिन जब से पूतना सकटा असुर और तृणावर्त आदि कई प्रकार के विघ्न आए थे, मैया ने मैया को बहुत डांट दिया था, बाबा ने इतना बड़ा मेरा महल है और तुम कभी आंगन में सुला देती हो, कभी बैलगाड़ी के नीचे सुला देती हो, तुम बहुत लापरवाह हो, और कोई भी आए तो झट से उनकी गोदी में दे देती हो, अच्छी बात नहीं है ये। तब से मैया लाला को छिपा छिपा करके रखती थी। अब बेचारे चक्कर में पड़ गए गर्गाचार्य जी, कई जन्मों कई युगों की प्रतीक्षा है उनकी कि आज मैं भगवान के दर्शन करूंगा, और मैया है कि छिपा छिपा के रख रही हैं, उनको बाहर लाते ही नहीं है। तो बाबा ने धीरे से गर्गाचार्य जी ने अपनी बात छेड़ी कि भाई हमारे यहाँ तो नियम है, किसी के घर लाला हो ना, अब कोई मेहमान आए तो झट से उसकी गोदी में ला देते हैं, आपके घर ऐसा कोई नियम नहीं है क्या? तो मैया ने कहा हमारे घर में भी ऐसा नियम है महाराज, लेकिन क्या करें, मेरा लाला बहुत किसी नए व्यक्ति को देख के डर जाता है, अब आपकी तो बड़ी बड़ी दाढ़ी है, देख के डर गया तो बहुत देर से बहुत मुश्किल से शांत होता ही है, इसलिए हम लोग उसको छिपा के रखे हैं। तो बोले नामकरण के समय तो लाना ही पड़ेगा। बोले हाँ लाएंगे ना, अब पूजा की तैयारी हो गई। कहा लाला को लेके आओ, तो मैया लाला को लेके आती हैं, लेकिन आंचल से ओट कर देती है। अब भी छिपा के रखा, भगवान का दर्शन गर्गाचार्य जी को नहीं हुआ। अब भगवान नाम उनका नामकरण कर रहे हैं गर्गाचार्य जी, तो कहा अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुण आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात बलं विदुहु। ये अत्यधिक बलशाली होने के कारण बलराम के नाम से जाना जाएगा, और राम एक अलग नाम रखा है कि ये राम से नाम से प्रसिद्ध होगा, क्योंकि सबके सबको आकर्षित करने वाला है। रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम, अब बलाधिक्यात बलं विदुहु, बल की अधिकता के कारण बल के नाम से प्रसिद्ध होगा। और भी इनके कई नाम होंगे, हलिन मुशलिन तालांक, कई नाम हैं इनके, हलधर। तो बलराम जी का नामकरण कर लिया। अब कृष्ण जी के नामकरण की बारी आई, तो अब कृष्ण जी का नामकरण करते हुए गर्गाचार्य जी कुछ भावुक हो जाते हैं, अब कहने लगे आसन वर्णाश्रयोभ्यस्य गृहण तो नुयुगम तनु शुक्लो रक्त तथा पीत इदानिम कृष्णताम गतः। ये तो पहले तीनों वर्ण में आ चुका है, कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय कभी वैश्य, और कभी सफेद रंग का होता है शुक्लो रक्त तथा पीत इदानिम कृष्णताम गतः, कभी सफेद रंग का हो जाता है तो हंसावतार आदि में सफेद रंग के हुए भगवान, रक्त नरसिंह आदि अवतार में भगवान लाल रंग के हो गए, वामन अवतार में पीत रंग के हो गए, और इदानीम कृष्ण तामगतः अब इस बार काले हो गए हैं सांवले हो गए हैं, इदानीम कृष्ण तामगतः। अब इनका नाम मैं क्या बताऊं? अच्छा यहाँ पे एक कमाल किया वसुदेव जी ने, यहाँ पर गर्गाचार्य जी ने क्या कहा, नंद के पुत्र का नाम वासुदेव रख दिया, तो गड़बड़ी है ना व्याकरण की दृष्टि से भी, भाई नंद का पुत्र है तो नंदलाल नाम रखना था, नंदनंदन रखना था, वासुदेव नाम क्यों रख दिया? तो सफाई देते हैं कि प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञाः संप्रदक्षते। कभी ये वसुदेव जी का भी पुत्र रहा है, कभी और किसी जन्म में वैसे घुमा दिया बात को, तो कभी प्रागयम पहले कभी भूतकाल में ये वसुदेव जी का भी पुत्र रहा है, इसलिए इनका एक नाम मैं वासुदेव रखता हूं, तो एक नाम वासुदेव रख दिया। अब राशि नाम पूछे तो भाई रोहिणी नक्षत्र है तो बिहारी नाम रख दिया गया भगवान का, राशि नाम बिहारी, अब बाकी चालू नाम बहुत चालू हैं, तो चालू नाम की कोई गिनती नहीं है, बहुत से नाम जैसे जैसे लीला करते गए जैसे जैसे वैसे नाम बढ़ते गए। तो नामकरण करते करते गर्गाचार्य जी के मुख से एक श्लोक फूट पड़ा, कौन सा श्लोक है? बहूनि सन्ति नामानि
रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्माणि रूपाणि तानि अहम् वेद नो जना। इनके तो न जाने कितने नाम है, कितने रूप हैं, उसको तो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। एक चूक हो गई गर्गाचार्य जी से, इनके मुख से निकल गया तानि अहम् वेद नो जना। उनके कितने नाम हैं, कितने रूप हैं, उनको मैं जानता हूं, कोई दूसरा नहीं जानता। तो भगवान ने अपने मैया के आंचल को थोड़ा सा सरकाया, अब मुंह निकाल करके गर्गाचार्य की ओर देखते हैं कि ये कौन महापुरुष आ गया जो मेरे समस्त नाम और रूपों को जानता है, ऐसा दावा कर रहा है। अरे मैं खुद नहीं जानता मेरे कितने नाम हैं, कितने रूप हैं, और ये महापुरुष दावा कर रहा है कि मैं इनके समस्त नाम रूपों को जानता हूं। गुण कर्माणि रूपाणि तानि अहम् वेद नो जना। क्योंकि भागवत जी के दसम स्कंद में ही 54वें 55वें अध्याय में मुचकुंद जी से बातचीत करते हुए भगवान ने कहा, स्वयं कहा, मुचकुंद जी ने पूछा कि प्रभु आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। तो भगवान ने कहा कि इस पृथ्वी पर जितने धूल के कण हैं उनको एक बार गिनना संभव हो सकता है, लेकिन मेरे कितने नाम और रूप हैं इसको गिनना संभव नहीं। ये स्वयं भगवान ने कहा। अब आज गर्गाचार्य जी कहते हैं तानि अहम् वेद नो जना, मैं सबको जानता हूं उनके कितने नाम और रूप हैं। तो भगवान ने अपना मुंह ऐसे बाहर निकाला आंचल की ओट से और झांक करके देखा गर्गाचार्य जी की ओर। तो गर्गाचार्य भी सोच रहे चलो आज प्रभु के दर्शन होंगे, उन्होंने भी देखा। तो भगवान ने जब दोनों की दृष्टि मिली ना तो मुस्कुरा दिया। अब भगवान की मुस्कान ही उनकी माया है, जिसकी ओर देख करके ये हंस दे ना वो मोहित हुए बिना नहीं रह सकता। अब तो गर्गाचार्य जी और मोहित हो गए, माया में बंध गए। अब नामकरण हो गया, अब इसके बाद अब कहा होगा मैया जी ने कि भोजन भी हो जाए भाई, ब्राह्मण भोजन के बिना कोई पूजा अधूरा है, तो भोजन हो जाए। गर्गाचार्य जी ने कहा भाई मैं तो स्वपाकी हूँ, हाथ से बना के भोजन करूंगा। कहा चलो महाराज व्यवस्था कर देते हैं। अब व्यवस्था कर दी गई, अब भोजन बनाया इन्होंने, अब थाल में निकाल लिया, अब हाथ में जल लेकर के आंख बंद करके भगवान को भोग लगा रहे हैं। भगवान को भोग लगाते हैं तो आंख को बंद कर लेना चाहिए। ये नटखट इतना माने लजीला है, शरमाने वाला है कि खुली आंख हो तो भोजन लगाने नहीं आता, आंख बंद हो तब आता है, चोरी छिपे खा के भाग जाता है। तो आंख बंद करके हाथ में जल लेकर के भोग लगा रहे हैं। त्वदेयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविंद, ये सब आपका ही तो दिया हुआ है, मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। गर्गाचार्य जी ऐसा कह के अब आंख खोलते हैं तो गोविंद वहां पहुंच गए थे, और थाल से खीर और जो भी व्यंजन था निकाला, मुंह में डालकर जूठा हाथ तब तक फिर से थाल में डाल चुके थे। अब गर्गाचार्य जी ने क्या दावा किया था कि भगवान के जितने नाम हैं रूप हैं मैं जानता हूं, और अब जब भगवान ने जूठन कर दिया, भोग लगा लिया, अब खुद बुला रहे हैं ना, हाथ में जल लेकर खुद बुला रहे हैं भगवान को कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ये आपको अर्पित है। अब जब गोविंद जी आकर भोग लगा रहे हैं तो इनको क्या लगा, ये तो यादव का छोरा है, इसने जूठा कर दिया तो ब्राह्मण कैसे खाएगा इसको। अब भाव ये आ गया, कहा ये सब जूठन हो गया, हटाओ हटाओ इसको, अब मैं नहीं खाऊंगा इसको। मैया डर गई, कहा महाराज खाली पेट जाएंगे अच्छा नहीं होगा, ब्राह्मण भूखा ना जाए दरवाजे से, खा के ही जाए, भोजन प्रसाद पा के जाए। तो महाराज और दूसरा हो तो निकाल, दूसरी थाली निकाल लीजिए। कहा नहीं, मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, एक मुश्त निकाल लिया था, तो अब क्या करें महाराज, एक बार और बना लो, एक बार और बना लीजिए महाराज। तो ठीक है, दोबारा बनाया ले देकर। कहा वो नटखट कहाँ है, उसको बहुत दूर में रखो। बोले नहीं नहीं महाराज, वो बिल्कुल गली में खेल रहा है, आप निश्चिंत होकर के भोग लगाइए। कहा ठीक है, फिर भी एक बार धोखा खा चुका हूँ ना, कोई सावधानी तो जरूरी है। अब हाथ में जल लिया और कहा पूरा 32 अक्षर का ये मंत्र है, अनुष्टुप छंद है, पूरे मंत्र को पढ़ते तक मैं आंख बंद नहीं करूंगा, आधे मंत्र तक ही आंख बंद करूंगा, आधे में खोल लूंगा ताकि वो आ जाए तो कम से कम झट से मैं कलाई पकड़ सकूं। तो त्वदीयम वस्तु गोविंद इतना कह के ही आंख खोल लिया, तब भी भगवान ने आके भोग लगा लिया। अब तो गर्गाचार्य जी बहुत नाराज हुए, बोले पहली बार तो धोखे से हो गया मैं मान सकता हूं, और दूसरी बार भी ये पहुंच गया, माने नंद यशोदा ही मेरे साथ छल कर रहे हैं, जैसे मैं आंख बंद करता हूँ गोदी में पाकर लाते होंगे, झट से यहाँ उतार देते होंगे, तब ये गली में खेलने वाला कैसे पहुंच जाएगा इतनी जल्दी यहाँ। तो अब तो मैं इनके घर में पानी भी नहीं पीऊंगा, नाराज हो गए, उठ गए जाने के लिए। तो यशोदा मैया ने पांव पकड़ लिया, कहा प्रभु आप खाली पेट मत जाइए, एक बार और बना लीजिए प्रभु किसी तरह से।
अब बहुत मनाया तो तीसरी बार ले देकर मनाने को तैयार हुए। अब तो कृष्ण जी को एक कमरे में बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया, चाबी यहाँ ला के रखो, डबल चाबी हो तो दोनों यहाँ ला के रखो। अच्छा, राजा के महल में कई चोर दरवाजा होता है बीच बीच में भागने के लिए अंदर ही अंदर, तो वैसा कोई तो नहीं है? बोले नहीं नहीं महाराज, बिल्कुल कोई चोर दरवाजा नहीं, आप निश्चिंत होके भोग लगाइए। तो ठीक, अब थाल में सब निकाल लिया, हाथ में जल लिया और कहा भगवान को, खाना हो तो खाएं, नहीं खाना हो तो मत खाएं, मैं आंख तो बंद करूंगा ही नहीं इस बार, भूख के मारे जी बेहाल है, तीन तीन बार हो गया भोजन बनाते पूजा करने से उठा हूँ, और खुली आंखों से ही भगवान को भोग लगाने लगे। त्वदीयं वस्तु गोविंद, अब फिर भी गोविंद जी आ गए, लेकिन आंखें खुली है ना, तो इस बार भोग लगा नहीं पाए थे। गर्गाचार्य ने झट हाथ से जल नीचे गिराया, उनकी कलाई पकड़ ली और बोले कैसे इस बार कैसे पहुंचे यहाँ बताओ, ताला बंद है बोलते, दोनों चाबी यहाँ रखा है, तुम कैसे पहुंचे यहाँ? अब नंद बाबा डर गए, बोले महाराज दोनों चाबी तो आपके पास है। बोले कमरा देख के आओ पहले, ताला कोई खोल दिया होगा। अब दोनों चाबी लेके गए, वहां ताला लगा हुआ था, कमरा खोले तो वहां भी कृष्ण, और यहाँ आए तो यहाँ भी कृष्ण, यहाँ वहां दो ही बालक देखा। अब तो नंद बाबा भी घबराए, कैसी लीला है। अच्छा, भगवान की कलाई को कस के पकड़े हुए हैं। अब तो उस दृश्य का चिंतन कीजिए, गर्गाचार्य जी बैठे हैं आसन लगा के, सामने भोजन का थाल और आगे कृष्ण जी बैठे हैं, छोटे से कृष्ण कन्हैया जी, और उनकी कलाई को पकड़ लिया है गर्गाचार्य जी ने। अब भगवान ने एक बार फिर से गर्गाचार्य की ओर देखा, और गर्गाचार्य जी ने भगवान को देखा, दोनों की दृष्टि मिली, एक बार और मुस्कुरा दिया भगवान ने। तो पहली बार जब मुस्कुराए थे तो माया का पर्दा पड़ गया था, और दूसरी बार मुस्कुराए तो पर्दा हट गया। अब गर्गाचार्य जी ने जान लिया ये भगवान हैं, तो कहने लगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब देखिए गर्गाचार्य जी का जो मोह था दूर हो गया, कहने लगे प्रभु न जाने कितने युगों से मैं झूठ मूठ का भोग लगाता था, अब उसे ही प्रसाद समझकर खुद भी पाता और लोगों को बांटता था, आज पहली बार आपने स्वयं उपस्थित होकर के प्रसाद पाया, भोग लगाया, और मैं अभागा उसे झूठा समझ करके हटा रहा था, अब तो ऐसा भाव आया कि मेरे प्रभु आपको जितना खाना है पहले खा लीजिए, भोग लगा लीजिए, उसके बाद बचेगा तो मैं पाऊंगा। फिर भगवान छोटे से कृष्ण भोग लगाने लगे, और जब उनका पेट भर गया उठ के चल दिए, तो तीनों थाल मंगा लिया गर्गाचार्य जी ने, पहले भी दो वाला भी, और तीनों को एक साथ रख लिया और प्रसाद पाने लगे। रोते भी जा रहे थे और प्रसाद पाते भी जा रहे थे। मैया ने कहा महाराज कुछ प्रसाद नहीं छोड़ोगे? बोले प्रसाद बांटते बांटते तो पूरी उम्र बीत गई, आज का प्रसाद ऐसा है कि बांटने का मन नहीं कर रहा, इसको तो पूरा का पूरा मैं ही पा जाऊंगा, तो ऐसी कृपा कभी हो जाए प्रभु की। भगवान कुछ बड़े होते हैं, गोचारण लीला इनकी प्रारंभ होती है। पहले तो इन्होंने बछड़ों को चराया, एक दिन लाला ने बहुत हट किया मैया से कि मैं भी अब गाय चराने जाऊंगा। पिताजी का जो काम होता है ना, प्रायः है पुत्र उसी को करने का प्रयास करते हैं। पिताजी के घर में गाड़ी हो, जैसे ही वो घूम के आए तो बच्चा तुरंत स्टेयरिंग के पास जाके बैठ जाएगा, अब मुंह से ही बजाते रहेगा, स्टेयरिंग घुमाते रहेगा कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो वैसे ही अब कृष्ण जी के पिताजी वहाँ पर अब गाय चराते हैं, पशुपालन करते हैं, तो कृष्ण जी ने भी हट किया कि मैं भी गाय चराने जाऊंगा। तो मैया से एक दिन बहुत जिद किया कि मैया मैं तो गाय चराने जाऊंगा, मुझे भी अब वन जाने दो। मैया ने कहा लाला अभी तुम छोटे हो। तो भगवान कृष्ण तन के खड़े हो गए, वाह देखो बहुत बड़ा हो गया हूँ। अब मैया ने कहा अब इनको क्या बहाना बनाया जाए, तो कहा लाला गोचारण की लीला जो करना है, ये काम करना है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता होती है। पहले अपने पंडित जी को बुलवाएंगे, पंचांग से मुहूर्त निकलवाएंगे, अब वो बताएंगे तब से तुम प्रारंभ करना, टालने के लिए मैया बोल रही थी। उसी समय उनके पुरोहित सांडिल्य महाराज जी आ गए। भगवान ने कहा देखो देखो हमारे पंडित जी भी आ गए, अभी इनसे पूछो। अब भगवान क्या कहते हैं, आज ही गाय चराने का गोचारण का बहुत अच्छा मुहूर्त है ना, मैंने सब कुछ बता दिया इशारा हो गया, तो सांडिल्य जी समझ गए कि हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आपके ही परिवार की एक बात बता रहा हूँ ना, समुदा में ताम्रकार जी, जब हमारे महाराज जी बहुत छोटे थे उस समय इनको पंचांग देखना नहीं आता था ना, तो समुदा के दाऊ जी क्या करते थे, अपने नौकर को भेजते कि सोमवार को 5 तारीख को 12 बजे धान बोने का मुहूर्त है कि नहीं, महाराज जी से पूछ के आना। तो नौकर लेके आता था चिट्ठी, महाराज पढ़ते,
और समझ जाते, बोले हाँ हाँ है, बोले पंडित जी ने कह दिया ना, अब ठीक है। तो आज तो अब क्षेत्र के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, लेकिन प्रारंभिक इनके बचपन की बात है, तब की बात। लेकिन दाऊ जी भी कैसे इनके सम्मान को रखते थे, है ना, कि पूछ के आओ, ऐसा नहीं अब बता दे उसमें मीन मेख निकालना नहीं, जब खुद जानते हैं तो सब कुछ निकाल लिया और उसको पंडित के मुख से बोलवाया। तो वैसे ही आज भगवान कृष्ण ने सांडिल्य जी को इशारा कर दिया, उन्होंने कहा आज ही बहुत अच्छा मुहूर्त है, अब आज नहीं करोगे ना तो फिर बहुत लंबे समय बाद मुहूर्त है। तो कृष्ण जी अब जिद्दी जिद्दी तो है ही, बोले अब पंडित जी ने भी कह दिया तो मैया मैं तो आज ही जाऊंगा अब गाय चराने। अब गाय तो सब चरने के लिए जा चुके थे ना, नंद बाबा के साथ, अन्य गोपों के साथ। तो जो छोटे छोटे बछड़े रह गए थे दूध पीने वाले घर में, तो मैया ने कहा जाओ इनको ही गली में चरा के आ जाओ, घुमाने के घुमा के ले आओ। तो भगवान कृष्ण अब बछड़ों को चराने निकले, तो अब कहते हैं केवल ऐसे टालने के लिए मैं चराने जाऊंगा, जैसा वेश एक ग्वाले का होता है ब्रज में वैसा ही वेश चाहिए, वैसे ही लाठी खुमरी कमरा आदि जो भी है कामरी वो सब चाहिए। तो अब स्पेशल आर्डर दे के बनवाना पड़ा, उस नाप का तो मिलता नहीं था ना, सब बड़ा बड़ा ही मिलता था बच्चों के लायक। तो मैया ने फिर तैयार करवाया और भगवान का ग्वाले का वेश सुमधुर वेश धारण करवाया और बछड़ों को लेकर भगवान कृष्ण अब गायों को चराते हैं। रसखान जी लिखते हैं उनके उस ग्वाले के वेश को देखकर, या लकुटे यारो कामरे या पर राजते हूं पुर कहो तजे डारों आठ हो सिद्ध नवो ने देखो सुख नंद के गाय चराई बिसारों रस खान कबो विन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों अब कोटे कहो कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। रस खान कवि बड़े भक्त कवि हुए, ये भी ब्रज में वास चाहते हैं। अभी अगले अध्याय में ब्रह्मा जी की कथा सुनेंगे, ब्रह्मा जी के मोह की। तो ब्रह्मा जी भी ब्रज में किसी भी योनि में आने को तैयार हैं, जब यहाँ की लीला को देखा उन्होंने तो कहा इस ब्रज में किसी भी योनि में वास मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए, ये स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और उद्धव जी तो फिर कहते ही हैं, आसा महो चरण रेणु जो साम श्याम वृंदावन किमपि गुल्मलतोषधीनां यादुस्त्यजं स्वजन मार्य पथं च हेत्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुति बिर्मिर्ग्यां। कि हे प्रभु यदि मुझे दोबारा जन्म मिले तो इसी ब्रज में मैं किसी भी योनि में आने को तैयार हूं, लता गुल्म औषधि या झाड़ी कुछ भी बना दें जिससे इन गोपियों का चरण रज उड़कर मुझ पर पड़े और मेरा जीवन सफल हो जाए। तो उद्धव जी कहते हैं वृंदावने किमपि, पूरे वृंदावन में ब्रज में कहीं भी वास मिल जाए, किसी भी योनि में वास मिल जाए चलेगा। लेकिन रस खान जी कहते हैं कहीं पर भी वास मिले इससे काम नहीं चलेगा, कुछ विशेष बिंदु की ओर इशारा करते हैं। यदि मनुष्य हुआ तो मानुष हाँ तो वही रस खानी बसाऊं ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन जो पशु हाँ तो कहा बसु मेरो चरौ नित नंद के धेनु मझारन अपाहन हाँ तो वही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण जो खग हाँ तो बसेरो करो मिल कालिंद कुल कदम्ब के डारन जो खग हाँ तो बसेरो करो मिल कालिंद कुल कदम्ब के डारन। उस समय तो हजारों लाखों पेड़ थे, वृक्ष थे, अब किसी भी वृक्ष में घोंसला बना लूं तो काम नहीं चलेगा, उसी कदम के वृक्ष में या उसी शाख में जहां बैठकर भगवान बंसी बजाते थे वहां वास मिले तब काम चलेगा, ये रस खान जी कहते हैं। अब ब्रज 84 कोस में तो न जाने कितने गांव बसे हुए हैं, किसी भी गांव में वास नहीं, नंद गांव में ही नंद बाबा के घर के पास ही वास रहे तब काम चलेगा। अब पशु हो गया तो नंद बाबा के धेनु उनके के मध्य ही मैं विचरण करूं चरूं, ऐसा भाव रस खान जी का है। अब ब्रह्मा जी के साथ जो लीला हुई है उसका श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि चलो ब्रज में भगवान का अवतार हुआ है उनके दर्शन कर आए। भगवान एक दिन अपने मित्रों के संग गाय चराते हुए थोड़े से प्रवेश उन्होंने किया वन के भीतर, बहुत भीतर नहीं गए थे। तो वहां पर दोपहर के समय भूख लगती थी इनको, तो अपने अपने घर से कुछ पोटली बांध के लाते थे। तो भाई कोई गरीब का बेटा है, कोई अमीर का बेटा है, तो बच्चों में मित्रों में छोटे बड़े का भेदभाव न पनपे
इसके लिए भगवान जितना भी सब टिफिन रहता था ना आपस में सबको मिला देते और गोल बैठ जाते थे मंडली बना करके और एक साथ प्रसाद पाते थे सबके सब। किसके घर से क्या आया कुछ पता ही नहीं चलता था, जिसको जो अच्छा लगे उठाकर खाते जाओ। ब्रह्मा जी यहीं पर पहुंचते हैं, छिप करके देखने लगे लीला को। उसी समय देखते हैं कि भगवान कृष्ण एक रोटी लेकर के चबा रहे हैं। उसी समय भगवान कृष्ण का एक सखा मक्खन का एक इतना बड़ा लोंदा उठा लिया था और उसको एक बार मुंह में डालकर आधा निकाल चुका था और उसको प्रेम से चबा रहा है, रस उसका ले रहा है। भगवान ने देखा कि उसके हाथ पर मुख से निकला हुआ आधा टुकड़ा है ना, मक्खन देखा बस, वो जूठा ये नहीं देखा भगवान ने। अब मित्रता में सब चल जाता है, आपस में मित्र खा लेते हैं ना, तो उसके हाथ से झपट लिया भगवान ने मक्खन को और अपने मुंह में डाल लिया। तो एक ग्वाले के जूठन को अपने मुंह में डालते देखा भगवान को तो ब्रह्मा जी को संदेह हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान होंगे तो ग्वाले का जूठन क्यों खाएंगे। तो यहाँ पे लगता है मैं गलत पते पे आ गया, ये भगवान नहीं है, तो इनको अब इनकी या तो परीक्षा लेनी चाहिए। पूतना को तो इसी ने मारा, तृणावर्त को तो इसी ने मारा, तो आया तो मैं सही जगह हूँ लेकिन यदि भगवान होंगे तो फिर जूठा क्यों खाएंगे। अब ब्रह्मा जी भ्रम में पड़ गए, इसीलिए कहा है मोहयंत यत सूर्यः, जिनको पहचानने में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए तो हमारी आपकी क्या गिनती है, बताइए भगवान को। तो ब्रह्मा जी ने बछड़ों को पहले गायब कर दिया। अब बछड़ों को गायब किया, आप सभी लोग भोजन कर रहे हैं, उसके बाद अब कृष्ण जी तो बंसी बजाने बैठ गए, तो जितने गोप ग्वाल थे वो खोजने के लिए गए बछड़ों को, उनको भी गायब कर दिया भगवान ने, ब्रह्मा जी ने। अब बलराम जी ने पूछा कहाँ गए बछड़े और ग्वाले, देखो तो तुम बंसी बजाते रहोगे, तो भगवान ने कहा ये आसपास तो ही घूम रहे हैं। अब भगवान ने ही उन बछड़ों का भी रूप धर लिया और ग्वालों का भी रूप धर लिया। बलराम जी जो उनके साथ रहने वाले हैं, नित्य सखा हैं, उनको भी पता नहीं चला इस लीला के बारे में। अब सब अपने अपने घर लौट गए, जितने ग्वालो थे बछड़े थे। अब भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उनको पता था कि इस बछड़े को किस गाय के पास जाना है, इस ग्वाले को किस गोपी के घर जाना है, सब पता है उनको। सही पते पर बिल्कुल पहुंच गए। अब जब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाने लगी तो उसको ऐसा भाव आया हृदय में कि आज मैं भगवान को दूध पिला रही हूँ, क्योंकि है तो भगवान ही ना उन्हीं के रूप में, उसके बछड़े के रूप में। और जब गोपियों ने अपने पुत्र को भोजन कराया, उसको दुलारते हुए रात्रि में जब शयन कराया, तो उनको लग रहा था कि मैं भगवान की ही सेवा कर रही हूं। और इस तरह से एक वर्ष का समय व्यतीत हो गया, किसी को पता नहीं चला कि उनके असली पुत्र और बछड़े जो है वो गायब है। बीच में बलराम जी ने एक परिवर्तन अनुभव किया कि पहले तो ये गोप ग्वाल और गोपियां दिन रात कृष्ण जी के दर्शन के लिए नंद महल में आते रहते थे, और नहीं तो शिकायत करने के बहाने आते थे, लेकिन एक साल हो गया है लोगों ने कृष्ण की तरफ देखना भी बंद कर दिया है, इसका कारण क्या है। तब उन्होंने ध्यान लगा के देखा तो उनको तो पूरे ब्रजमंडल में चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दिए। तो बलराम जी समझ गए कि असली तो गायब हैं और उनके रूप में स्वयं भगवान ही विचरण कर रहे हैं। उनके मुख से निकला प्रायो मायाम्ब में भरतो नान्या में पिवि मोहति, ये तो मेरे भाई की माया है जिसने मुझे भी मोहित कर लिया, मुझको पता नहीं चला एक साल तक। तो फिर भगवान कृष्ण के पास जाके पूछते हैं बलराम जी कि कन्हैया ये असली बछड़े और ग्वाले सब कहाँ गए, ये तो बताओ। तो कृष्ण जी ने कहा भोलेपन से सब आसपास तो हैं। बोले नहीं नहीं, अब मुझको बुद्धू मत बनाओ, साल भर तक तो मैं भी नहीं जान पाया, अब सच सच बताओ क्या बात है। कहा ब्रह्मा जी उनको हर के ले गए हैं। तो बोले उनको लाओगे कि नहीं वापस कभी? बोले उन जो ले गए हैं वो पहुंचाएंगे, मैं क्यों जाऊं। अब ब्रह्मा जी ने सोचा चलो ये साल भर तक विरह में बड़े दुखी होंगे, तो अब इनका क्या हाल चाल है देखा जाए। यहाँ आए तो देखा अरे यहाँ तो बछड़े भी घूम रहे हैं, ग्वाले भी घूम रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा जहां मैंने बंदी बना के रखा है वहां से चोरी छिपे इन्होंने सबको खोल के ले तो नहीं आए। तो ध्यान लगा के देखा तो ब्रह्मलोक में भी सब बछड़े हैं ग्वाले हैं। बोले यहाँ भी हैं। तब ब्रह्मा जी समझ गए कि ये लक्ष्मीपति भगवान हैं, जिनके नाभि कमल से मैं स्वयं उत्पन्न हुआ, जिन्होंने मुझ ब्रह्मा को बनाया, आज उस ब्रह्मा ने मायापति के सामने अपनी माया का प्रदर्शन किया, ये तो बहुत बड़ी चूक हो गई मुझसे। तो ब्रह्मा जी फिर दुखी होकर लज्जित होकर भगवान कृष्ण के चरणों में गिर जाते हैं
और भगवान की स्तुति करते हैं। नौ मेड्यते ब्रवपुषे तडिदं वराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। हे प्रभु, मैंने तो आपके न जाने कितने रूपों का दर्शन किया है, लेकिन आज मैंने आपके इस ग्वाले के वेश का जो दर्शन किया, आपके इस रूप का दर्शन किया, मैं तो इसी रूप पर न्योछावर हूँ। प्रभु, कितना सुंदर आपका ये सुमधुर ग्वाले का वेश है, कमर में आपने बंसी पहुँच रखी है और मोर पंख आपने धारण किया है, गुंजा गुंज की माला आपने धारण कर रखा है, आपके हाथ में दही भात का कौर है, कितना सुंदर ये रूप है। प्रभु, मैं तो आपके इसी स्वरूप पर न्योछावर हूँ। अनेक श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान इतने नाराज थे ब्रह्मा जी से कि एक शब्द नहीं कहा। बोले, और कोई परीक्षा लेते तो मैं एक बार क्षमा भी कर देता, आप भी मुझे नहीं पहचान पाए ब्रह्मा हो करके, ये दुख की बात है। एक शब्द नहीं कहा उन्होंने, बहुत नाराज होना तो हम किसी से बात नहीं करते, मैंने घर आए मेहमान से ही बात नहीं करते, तो ब्रह्मा जी से भी कोई बात नहीं की, कोई बातचीत नहीं की भगवान कृष्ण ने। अपने आप ही स्तुति करते रहे, प्रणाम किया और इतने भयभीत हुए ब्रह्मा जी की स्तुति तो पूरी की, और जाते समय प्रणाम किया और प्रदक्षिणा की, तो भगवान कृष्ण की प्रदक्षिणा तो अधिक होनी चाहिए, एक ही परिक्रमा किया और जल्दी जल्दी में चले गए वहां से। ब्रह्मा जी भी गिनती भूल गए हलबड़ी के मारे, क्योंकि ज्यादा डांट ना दे, नाराज ना हो जाए, इसलिए वो हलबड़ी में फिर चले गए। तो बीच में ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों के भाग्य को सराहा है, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद ब्रज नंद गोप ब्रजौ कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम अहो भाग्यम, इनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है ब्रजवासियों की। नंद गोप ब्रजौ कसाम, ब्रज औकसाम, औकसाम माने निवासी, तो ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है, जिनके मित्र कौन है। यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रह्म जिनके मित्र हैं, जिनके साथ खेलते हैं, जिनको अपने पीठ पर चढ़ाकर दौड़ते हैं, जो जिनका जूठन वो खा लेते हैं, ये तो ये सौभाग्य तो केवल ब्रजवासियों को मिला है। यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, इस ब्रज भूमि में तद भूरि भाग्यमेह जन्म किमौ व्यटव्याम यद गोकुले पिकतमांग्रि रजोभिषेकम यं जीवितं तु निखिलं भगवान मुकुंद त्वद्यापि यत्पद रज श्रुतिमृग्यमेव। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद भगवान ने विचार किया कि अब काली नाग को यहाँ से काली दह से दूर करना चाहिए। इस बीच में कंस ने जो छोटे छोटे असुरों को और भेजा था, बकासुर बगुले के रूप में आया, उसका उद्धार भगवान ने किया, अघासुर बहुत बड़े सांप के रूप में आया, उसका उद्धार भगवान ने किया, और इसके बाद ये प्रलंबासुर आया था पीठ पर चढ़कर खेलने वाला, खेल खेलते हुए फिर बलराम जी के हाथों यह उसका उद्धार होता है। तालवन में जाकर धेनुकासुर का उद्धार किया भगवान ने। इसके बाद सोचते हैं, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्ण कृष्ण हिना विभो तस्या विशुद्धिमन विक्षन सर्पम तमुदवासय। काली दह में जो काली नाग रहता था उसका विष इतना भयंकर था कि आकाश से उस काली दह के ऊपर से उड़ने वाला पक्षी भी उसके विषैले प्रभाव से, वायु के प्रभाव से नीचे गिर जाता था, इतना विषैला प्रभाव। एक बार भगवान कृष्ण, उस दिन बलराम जी साथ में नहीं गए थे, कृष्ण जी और अन्य गुप्त चरवाहे साथ में थे, काली दह के पास पहुंचे दोपहर का समय। भगवान के मना करने के बाद भी गायों ने और गोपों ने भी वहां का जल पी लिया, विषैला जल। जब सबकी मृत्यु हो गई तो भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से सबको जीवित कर दिया, और उसके बाद विचार करते हैं कि मैं अब काली नाग को यहाँ से दूर कर दूं। तो इसके लिए भगवान कदम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तम चंड वेग विषवीर्यम वेक्षतेन दुष्टा नदीं च खल संयमनावतारः
कृष्ण कदंब मधिरूयत तोति तुंग मास्फोट्य गाढ़ रसनो न्यपत द्विशोदे। कृष्ण कदंब अधिरूह्य, कदंब के शिखर पर चढ़ गए और वहां से नीचे नदी में छलांग लगाते हैं, काली दह में छलांग लगाते हैं। हैं तो छोटे से बालक, लेकिन ऐश्वर्य से युक्त होकर के छलांग लगाया और अपनी नन्नी नन्नी भुजाओं से जब वहां जल को पीटने लगे तो बहुत ऊंची ऊंची तरंगे उसमें उठने लगी, हलचल उत्पन्न हो जाता है। भीतर भगवान गए और उस काली नाग ने जब भगवान को देखा, हम लोग परंपरा से सुनते हैं विशेषकर छत्तीसगढ़ में, तो पहले नागिन बाहर आती है, भगवान कृष्ण से मिलती हैं और उनका वार्तालाप होता है, कौन दिशा से आयो रे बालक, क्या तुम्हारो नाम है। लेकिन भागवत जी में तो पहले नाग आया है और नाग ने फिर भगवान से युद्ध किया और जब वो अधमरा हो गया तब नागिन आकर भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हमारे सुहाग को छोड़ दीजिए, अपने सुहाग की रक्षा कीजिए। पति प्राणा प्रदीयताम कहते हुए गोपियां नागिन जो है बाद में आती हैं। तो भगवान कृष्ण उस नाग के साथ अब युद्ध करने लगे, बहुत भयंकर नाग है, कई फण हैं उसके। भगवान ने देख लिया कुछ ही देर में कि बहुत भयंकर है, तो फिर भगवान ने अपने गरुड़ का स्मरण किया, गरुड़ जी ऊपर उड़ने लगे, वहां तो आ नहीं सकते थे काली दह में, सौभरी ऋषि का साप था, इसलिए आज भी सौभरी जी का आश्रम बना हुआ है ना वहाँ दाऊ जी मंदिर में, और वहाँ के सौभरी गोत्र वाले ही पुजारी हैं पंडा लोग दाऊ जी के मंदिर में वहाँ ऊपर।